यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप सो so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए तो कल आपको है ना छोटे छोटे तीन क्वेश्चन एक होमवर्क में दिए थे कि भाई आपकी जो इनकम जो है वो दे रखी थी आपको उस पर टैक्स निकालना था कि टैक्स कितना आएगा इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेन्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स को मिला के और कितना टैक्स आएगा वो आपको निकालना था पहली चीज तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां 82 डेज लिखा हुआ था ना इसकी जगह आपको 82 इयर्स एटी एक्चुअली मैंने इसको आईसीआई के मॉड्यूल से लिया क्वेश्चन को और आईसीआई के मॉड्यूल से लिया उन्होंने भी भी डेज डेज लिखा हुआ तो मैंने भी यहां पे ले लिया करके ठीक है तो गलती हुई मेरे से एक्सैक्टली exactly, क्योंकि जब मैं आईसीआई के मॉड्यूल से लिया मैं अगर आपको आईसीआई का मॉड्यूल बताना चाहूं सी इंस्टीट्यूट का तो सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इंटरमीडिएट में टैक्सेशन में मे नवंबर 2023 में स्टडी मटेरियल और स्टडी मटेरियल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है वहां पे मैंने ये क्वेश्चन को लिया वहां से और जब मैंने वहां से ये क्वेश्चन को लिया तो एक्चुअली आईसीआई ने भी इसमें मिस्टेक कर दी तो सेम मिस्टेक मैंने भी यहां पर रिपीट कर ली आप देखेंगे तो यहां पर जो है वो आईसीआई का जो क्वेश्चन नंबर है दट इज वाला एक क्वेश्चन है जो आईसीआई ने दे रखा था और उसमें मैंने भी कर ली मिस्टेक गलती से मिस्टेक करके ठीक है तो आप देखेंगे चलिए आज अपने को बहुत मजा आएगा आज अपन मस्त मस्त पार्ट पढ़ने वाले हैं थियोरिटी देखिए है? यहां पे आईसीआई ने ये 82 डेज ले रखा है करके ठीक है तो 82 डेज लिखा हुआ है आईसीआई के मॉड्यूल में तो मैंने भी वो लेते टाइम 82 डेज ले लिया चलिए तो जिस जिसका आंसर सही है देख लेते है, आंसर क्या आया होगा तो जब उसकी फोर्टी फाइव ईयर्स एज है तो आपका आंसर आया होगा वन सेवेंटी नाइन फोर हंड्रेड सही है ये वाला वन सेवेंटी नाइन फोर हंड्रेड आप लोगों का सही है तो वन सेवेंटी नाइन फोर हंड्रेड जब उसकी एज जो है वो फोर्टी फाइव ईयर्स है और जब सीनियर सिटीजन रहेगा तो उसका आया होगा टैक्स वन सिक्स एट हंड्रेड और जब उसका एटी टू ईयर्स का एज है तो वन सिक्सटी सिक्स फोर हंड्रेड 166400 तो तीनों आंसर सही है तो चलिए जिन जिन के तीनों आंसर सही है ये अपना इनकम टैक्स लॉ का मॉड्यूल है आईसीए का और जिनके तीनों आंसर सही है 166400 एज वेल well एज 176800 एंड 179400 अब ये तो सही होगा यार इतना करने के बाद दो दिन से प्रैक्टिकल कर रहे हैं दो दिन से मैंने आपको थियोरी नहीं पढ़ाया दो दिन से मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूं प्रैक्टिकल करा रहा हूं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा अंदर घुसाने के लिए धीरे 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 थियरी में आपको घुसाया जाएगा तो 179 400 176 फोर एंड गाइस वन दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने दिया था और दूसरा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन था शायद शायद कौन सा क्वेश्चन था मैं बताऊं जिसमें आपकी जो इनकम है मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन था और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था राइट फिफ्टी वन लैख वाला हाँ जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना वहां पे ये अजम्पशन रहेगा वो बंदा रेजिडेंट है जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वहां अजम्पशन रहेगा कि वो बंदा रेजिडेंट है करके ठीक है जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वहां ये अजम्पशन रहेगा कि ये बंदा रेजिडेंट है करके ठीक है तो यहां पे टोटल इनकम दे रखा है मिस्टर एक्स का कुछ नहीं दे रखा तो इंस्टीट्यूट ने भी अज्यूम किया है ये रेजिडेंट बंदा है तो अपन इसको रेजिडेंट मानेंगे दूसरा क्वेश्चन जो था आपका दूसरा क्वेश्चन जिसमें फिफ्टी वन लेख का आपका इनकम था तो फिफ्टी वन लेख का इनकम का मैं आपको आईसीआई मॉड्यूल से ही बता देता हूं तो उसमें आपका टैक्स लाइबिलिटी आया है फोर्टीन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्सटी नाइन थाउजेंड फोर्टीन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड एंड बेटा सिक्सटी फोर थाउजेंड और टू फिफ्टी का मार्जिनल रिलीफ आया है फोर्टीन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड आपका टैक्स आया है और 64,250 का आपका मार्जिनल रिलीफ आया है तो ये सबका आंसर आया फोर्टीन लैक्स सिक्सटी का आपका टैक्स आया है और सिक्सटी फोर थाउजेंड टू फिफ्टी है ये आपका मार्जिनल रिलीफ आया करके ठीक है अब एक बात समझना इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही मेथड से करती है वो बोलती है ए प्लस बी प्लस ए बी सी डी करके करती है फिर उसका ऑल्टरनेटिव मेथड और देती है जो अपन ने किया है वैसा ही आपको करना है करके ठीक है जैसा अपन ने किया है वैसा ही आपको करना है तो जो हमने किया है वो वाला मेथड आपको फॉलो करना है पहले टैक्स निकालना है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है टैक्स ऑन फिफ्टी लैक्स से और फिर एक्सेस इनकम है वो गवर्नमेंट को एज इट इज दे देना है तो चलिए दोनों क्वेश्चन जिन लोगों के सही थे बहुत अच्छी बात है आज अपन चलेंगे और आज अपन थियर पार्ट पढ़ेंगे ठीक है? क्योंकि बोर ना हो जाओ आज हम वापस थोड़ा थियरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे और थियरिटिकल पार्ट पे वापस जाएंगे आज से करके ठीक है चलिए तो आज का लेक्चर रहने वाला मजा आएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने वाले हैं जो आपने कभी सुनी नहीं है बट आज अपन थोड़ा थियरिटिकल पार्ट सीखने वाले ठीक है तो थियोरिटिकल पार्ट में एक बात बताइए सबसे पहला पार्ट तो ये सबसे पहला पार्ट तो ये कि सर हमने इनकम टैक्स एक्ट के बारे में आपने बताया था चैप्टर वन इज कंप्लीट नहीं, नहीं आज होगा चैप्टर वन मैंने बोला था ना आज ट्राई करेंगे आज चैप्टर कंप्लीट होगा स्पेशल रेट्स मैं मोस्टली आज ही पढ़ा रू दूंगा गेन के बाद पढ़ाऊं बट फिर मेरे को लगा कि नहीं नहीं आप अगर मॉड्यूल जो है मॉड्यूल में स्पेशल रेट पहले ही टॉपिक में दे रखा है तो अब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह जान पाओगे तो मैं स्पेशल रेट्स यहीं पर पढ़ा लूंगा आज ही पढ़ा लूंगा चलिए एक बात बताइए यहां पे जो अपन ने सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ा था सबसे पहले क्या इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या बोलता है थ्योरी मत कराओ अरे यार थ्योरी थोड़ा तो करना पड़ेगा ना चलो इधर देखो बट एक चीज मैं बता दू है ना क्या होता है ना आप इंटरमीडिएट वाले हो आप फाउंडेशन से अभी आए हो करके ठीक है नए नए तो पहली चीज तो यह है कि मैं बहुत सारी चीजें है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है मैं कभी प्रैक्टिकल कराता हूं फिर वापस मैं थोड़ा थ्योरी पे लेके जाता हूं फिर वापस प्रैक्टिकल कराता हूं मैं वापस थोड़ा थ्योरी पे लेके जाता हूं जिससे क्या है आपके दिमाग में चीजें है वो टाइम टू टाइम है वो बैठती जाए घर ठीक है चलिए तो हमने आपको पता रहेगा जो सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ा था तो सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ किसको बोलते हैं कि जिसमें एक्ट भी आ जाता है रूल्स भी आ जाते हैं यह सबको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ अब एक बात समझना सर क्वेश्चन ये ये आता है आपने ये बोला था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपने ये लिखवाया भी था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया मिस ये पूरे इंडिया पे लगता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो पूरे इंडिया पे लगता है लेकिन सर एक बात बताइए इंडिया का मतलब होगा क्या किसको बोलेंगे इंडिया क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो पूरे इंडिया पे लगता है लेकिन सर एक बात बताइए कि इंडिया का मतलब होगा क्या क्या इंडिया का मतलब सिर्फ जो जो इंडिया जो है जो लैंडमार्क है क्या लैंडमार्क इंडिया में आएगा या इंडिया में वॉटर भी आ जाएगा बिकॉज देर में भी पॉसिबिलिटी कि आपकी जो एक्टिविटी है वो कहीं वॉटर में हो रही है वहां पे आप इनकम अर्न कर रहे हो तो इंडिया में क्या क्या आएगा करके ठीक है इंडिया जो है वो इंडिया में क्या क्या आएगा तो अगर इंडिया में क्या क्या आएगा उसकी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आईसीआई की बात करूं तो आईसीआई ने इसकी डेफिनेशन दे रखी है अब आईसीआई ने आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो मेरे साथ में रहेगा मैं हमेशा आजको आपको साथ साथ में आईसीआई का मॉड्यूल है वो रेफर कराते रहूंगा जहां जहां मुझे जरूरत लगेगी तो देखिए उन्होंने है ना इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है और इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है कि इंडिया में आएगा क्या तो इंडिया में क्या क्या आएगा कौन कौन बताएगा इंडिया में क्या क्या आएगा बता दीजिए क्या बोल रहा है कि लैंड भी आएगा वॉटर भी आएगा एयरवेज भी आएगा सब आ जाएगा सर इंडिया में आएगा क्या इंडिया में जो है वो इंडिया में क्या आएगा तो ये इंडिया की डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 225 ए में दे रखी है अब आपको मैं ना कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो अभी मैं इंडिया की डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स एक्ट में नहीं पूछने वाले इनकम टैक्स के एग्जाम में इंडिया की डेफिनेशन नहीं पूछने वाले बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए कि भैया इंडिया में आएगा क्या 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 आएगा इंडिया में तो इंडिया में कोई बोल रहा है कि टेरिटोरियल वॉटर आएगा करके ठीक है टेरिटोरियल वाटर आएगा 12 नॉटिकल माइल तक करके ये हमने कहीं कही ना कहीं सीखा हुआ है जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा तो देखिए इन्होंने है ना इंडिया को डिफाइन कैसे किया अगर मैं इनकम टैक्स की जो है सेक्शन है टू क्लॉज नंबर ट्वेंटी ये इंडिया को डिफाइन करती है ये बोलती है द टर्म इंडिया मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया होल इंडिया मीन्स इंडिया मीन्स सबसे पहला बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल नंबर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहला सबसे पहला पॉइंट तो ये बोलते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखोगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस दिन मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल के लिए 246 के लिए मैंने बताया था कि आर्टिकल 246 का सेवन शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले सकती है इनकम पे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम और स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है स्टेट लिस्ट में दे रखा है एंट्री नंबर फोर्टी सिक्स उसमें दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स ले सकती है एग्रीकल्चर इनकम पे तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर वन है ना वो इंडिया की बात करता है और वहां पे वर्ड यूज हुआ है इंडिया मीन्स भारत करके ठीक है मीन्स भारत जो है वहां पे भारत वर्ड को यूज किया है और जो अपना पूरा जो क्या बोलते हैं जो इंडिया का आप मैप देखते हो ना दैट इज कॉल्ड इंडिया जो इंडिया का आप मैप देखते हो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो जो इंडिया का पूरा मैप देखते हो दैट इज कॉल्ड योर इंडियन टेरिटरी उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला जाता है एज पर आर्टिकल नंबर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो भारत का संविधान है वो संविधान के हिसाब से जो टेरिटरी है इंडिया की जो लैंडमार्क बोल सकते हो आप लोग इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो तुम्हारा इंडिया है उसके साथ में यहां पे क्या लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट बोलता है कि इट्स टेरिटोरियल वाटर सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइन सच वॉटर इन्होंने यहां पे इंक्लूड किया है दैट इज द टेरिटोरियल वॉटर तो टेरिटोरियल वॉटर का मतलब क्या होता है मैं बताऊं जो आपका लैंडमार्स होता है ना उससे ट्वेल्व नॉटिकल माइल जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया होता है वो 12 नॉटिकल माइल का एरिया को अपन टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं लेकिन गाइस, इसका अगले पॉइंट में ये लोग क्या बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, सी बेड सबसॉइल का मतलब होता है, के जो के अंदर होता है ना अंदर गहराई में ठीक है. है, है. है पानी में क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रही है तो वो जो है ना वो एक्टिविटी हो रही है वो भी इंडिया में ही माना जाएगा तो टेरिटोरियल वाटर एज वेल एज सी बेड एज वेल एज सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर सबसॉइल मीन जो अपन पाताल बोलते हैं कि भैया जो उसके अंदर जो पानी के अंदर जो जमीन है सॉइल है उसके अंदर वाला जो एरिया है वो भी तुम्हारा इंडिया में आ जाएगा लेकिन आगे ये लोग क्या बोलते हैं पता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सब लोग मुझे विजिबल है करके ठीक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये भी तुम्हारे इंडिया की डेफिनेशन में आ जाएगा

तो मैं बताऊं ये जैसे तुम्हारा इंडिया है इंडिया ये इंडिया का मैं मैप बना रहा हूं यहां पे करके ठीक है और जब इंडिया के मैप अपन लेने जाते हैं तो श्रीलंका अपने को फ्री में मिल जाता है ठीक है हमेशा ये इंडिया है और ये इंडिया है और ये तुम्हारा श्रीलंका है अब एक बात समझना इंडिया का जो इंडिया पे इनकम टैक्स लगता है मतलब ये पूरा इंडिया जो है उस पर तो लगेगा लगेगा उसके साथ साथ में बेटा यहां से लेके और ट्वेल्व नॉटिकल माइल तक का जो एरिया रहता है टेल्व नॉटिकल माइल ये ट्वेल्व नॉटिकल माइल के एरिया को बोला जाता है टेरिटोरियल वॉटर क्या बोला जाता है टेरिटोरियल वॉटर एंड गाइज यहां से लेके और आपका टू हंड्रेड नोटिकल माइल का जो एरिया रहता है 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया रहता है उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्प या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करके ठीक है यहां पे एस जेड नहीं रहे एसड अलग होता है करके ठीक है एसी जेड है वो अलग होता है

जो आकाश वाला एरिया होता है जो ऊपर वाला एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनें करके तो ये कुल मिला के आपको मैं बता दूं आपका 200 हंड्रेड नोटिकल माइल का एरिया होता है तो आपका जो लैंड मास यहां पर पे, कंप्लीट पे हो जाता है वहां से लेके और 200 हंड्रेड नोटिकल माइल का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड योर कॉन्टिनेंटल शेल्प या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो कुल मिला के अगर आप यहां पर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जैसे मान लो यहां पे कोई कंपनी है एक एग्जांपल लेते हैं फॉरेन का मान लो आराम को करके कंपनी है अब फॉरेन का आराम को करके जो कंपनी है वो यहां पे मान लो क्रूड ऑयल निकाल रही है तो यहां पे क्रूड ऑयल है वो निकाल रही है रिग मशीन से और उसको अगर बेचती है और उसको कुछ इनकम होती है तो क्या ये माना जाएगा ये इंडिया में इनकम अक्रू हुई है आंसर इज यस ये माना जाएगा इंडिया में अक्रू हुई है करके ठीक है चलिए अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में तो टू नॉटिकल माइल का डिस्टेंस ही नहीं है तो क्या होगा इनके बीच में जो है वो तो सर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल का डिस्टेंस ही नहीं है तो क्या होगा तो उस केस में क्या होता है दोनों कंट्री आपस में मिलके ये डिसाइड करती है जब क्या होता है ना बहुत सारी जगह अगर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल का अगर कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो उस केस में दोनों कंट्री जो मिलके और ये डिसाइड करती है और वो लोग क्या करते हैं पता है कि आधा आधा वाटर बांट देते हैं मिस आधा आधा बांट देते हैं मिस फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे मान लो आपका 80 नॉटिकल माइल है तो 80 नॉटिकल माइल है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा चलिए कि एक काम करिए 40 नॉटिकल माइल आप रख लीजिए और 40 नॉटिकल माइल है वो हम रख लेते हैं अगर के ठीक है नॉटिकल माइल वो रख लेंगे और नॉटिकल माइल हम रख लेंगे ये बनते हैं ट्रीटी साइन होती है और ट्रीटी के हिसाब से देखा जाता है आपने देखा होगा बहुत बार मोदी जी गए थे फॉरेन कंट्री वहां एक ट्रीटी साइन हुई तो ट्रीटी का मतलब होता है एक अग्रीमेंट साइन होता है दोनों कंट्री के बीच में और दोनों कंट्री है वो मिल बैठ के जो है वो मिल बैठ के यहाँ पे करते हैं यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि चलिए तुम्हारा कितना हमारा कितना दिस इज कॉल योर इंडिया ये इंडिया का डेफिनेशन है क्या हमको मटेरियल से पढ़ना है आईसीआई के मटेरियल से आंसर इज नो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना जो जो रिलेवेंट रहेगा मैं आपको बताते रहूंगा करके ठीक है और क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट मैंने लिए है और अगर आप डीटी का पेपर देखोगे ना तो सिर्फ क्वेश्चन आते हैं डीटी के पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आते हैं करके ठीक है चलिए उसके बाद में वापस अपन चलते हैं जो उस दिन अपन पढ़ रहे थे डेफिनेशन वाला पार्ट और डेफिनेशन वाले पार्ट में चलिए अपन ने सबसे पहले तो जो है वो अपन ने पढ़ा कि भैया इनकम टैक्स एक्ट में होल इंडिया पे लगता है तो इंडिया का मतलब क्या है वो अपने को समझ में आ गया अब एक बात समझिए मैंने आपको एक और चीज लिखाई थी कि इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन ऐसा क्यों अप्रैल 1962 से इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हुआ ऐसा क्यों अब आपको पता चला होगा क्योंकि अपन ने बहुत सारी जगह प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट पढ़ा। एक बात बताओ जो भी आप इनकम कमाते हो प्रीवियस ईयर में उस पर टैक्स कौन से ईयर में लगता है असेसमेंट ईयर में असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है तो तुम्हारा जो सबसे पहली बार इनकम टैक्स में टैक्स लगा होगा उससे पहले जो नए और लॉ दूसरे थे करके ठीक है पहले इनकम टैक्स एक्ट दूसरा हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी पहले इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता था उससे पहले भी इनकम टैक्स लगा लगता था अंग्रेज इनकम टैक्स लेते थे बट वो ऑब्वियसली आज के रेट में आपके लिए रिलेवेंट नहीं है उसके लिए जानना बट एक बात समझना यहां पे ऐसा 1962 से एप्लीकेबल क्यों हुआ क्योंकि भैया टैक्स जो लोगे वो तो आप असेसमेंट ईयर में लोगे मीन्स आप जो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे अपना पूरा हिसाब किताब दोगे वो कब दोगे असेसमेंट ईयर में दोगे तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर तो आपका था 6162 एंड असेसमेंट ईयर था 6263 इसके लिए ये इनकम टैक्स एक्ट जो है वो प्रीवियस ईयर 21 सॉरी तो प्रीवियस ईयर आपने 6162 में जो इनकम कमाई जो प्रीवियस ईयर 61, 62 में जो आपने इनकम कमाई 61, 62 में जो इनकम कमाई उस पर टैक्स कब लगेगा 62, 63 में लगेगा इसके लिए ये बोलते हैं इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल 1962 मतलब ये फर्स्ट अप्रैल सिक्सटी टू मीन ये असेसमेंट ईयर टू सिक्सटी की बात कर रहा है क्योंकि हमेशा देखो इनकम टैक्स में जो भी चीजें लिखी होती है ना वो असेसमेंट ईयर वाइज लिखी होती है उसमें प्रीवियस ईयर का रिलेवेंस नहीं होता बोला हाँ इनकम कमा ली कोई बात नहीं हमको टैक्स कब भरना है अगले साल भरना है रिटर्न कब फाइल करना है अगले साल करना है करके ठीक है आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आके चेक कब करेगा क्या करेगा आपको सब नोटिस वोटिस भेजता है वो कब भेजेगा असेसमेंट ईयर में भरेगा तो हर चीज जो है ना वो असेसमेंट ईयर वाइज देखी जाती है इसके लिए यहां पर क्या है कि प्रीवियस ईयर था सबसे पहला वाला और असेसमेंट ईयर इधर

चलिए हमने चार्जिंग सेक्शन के बारे में पढ़ा था और चार्जिंग सेक्शन इसकी सेक्शन नंबर फोर जो चार्जिंग सेक्शन जैसे जीएसटी में आपने मुझे बताया था कि जीएसटी की चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नाइन थी वैसे यहां पे जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज द चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स की है वो सेक्शन नंबर फोर है और सेक्शन नंबर फोर में मैंने क्या बोला था कि इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर द एवरी असेसमेंट ईयर हर असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स लगेगा एंड इट इज ऑन द एवरी पर्सन एवरी पर्सन पे लगेगा पर्सन के डेफिनेशन में क्या है वो चीजें बट इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन सर इनकम का मतलब क्या होता है ये तो आपने बताया ही नहीं क्या इनकम का मतलब है वो इनकम का मतलब क्या होता है क्योंकि आपने तो क्या बोला कि इट इज लाइक एवरी असेसमेंट इतना टैक्स लगेगा इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एवरी पर्सन पे लगेगा पर्सन की डेफिनेशन में आपने बताया था इंडिविजुअल एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन करके पार्टनरशिप कंपनी लोकल इंडिविजुअलिटी ये सात लोग हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं बट आपने ये बोला था कि इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम सर टोटल इनकम तो बताया ही नहीं नो no डाउट हम क्या कर रहे हैं दो दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें टोटल इनकम आपको दे रखी थी कि हर एसएससी की टोटल इनकम इतनी है लेकिन सर टोटल इनकम इनकम बोलेंगे किसको इसके बारे में आज हम पढ़ देंगे आज हम पढ़ेंगे कि इनकम में कौन कौन सी चीजें आएगी किस किस को आप इनकम बोलेंगे तो इनकम के बारे में आज अपन पढ़ेंगे करके ठीक है कुछ ऐसी इनकम भी होगी जो डीम्ड इनकम होगी करके और डीम्ड इनकम कौन सी है वो आज अपन सब पढ़ने वाले हैं तो टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम आएगी वो अपन आज पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम कमाते हो उस पर असेसमेंट ईयर में आप टैक्स भरते हो और टैक्स कौन सी रेट से भरना है जो कि रेट प्रिस्क्राइब है इन द फाइनेंस एक्ट करके ठीक है चलिए उसके बाद अपन टोटल इनकम के बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि इनकम का मतलब होगा क्या इनकम किसको बोलेंगे कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी हमारे पास तो बहुत सारी इनकम मिलती है जैसे आपने देखा होगा आपने अपना कोई मोबाइल फोन किसी को बेच दिया तो मोबाइल फोन किसी को बेच दिया पैसा आया वो भी तो इनकम है क्या इस पर टैक्स लगेगा हमने सर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल घर पे ए सी काम नहीं कर रहा था वो एसी किसी को बेच दिया और वो पैसा आया तो क्या वो भी इनकम माना जाएगा तो इनकम माना किसको जाएगा कौन कौन सी इनकम इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली फाइव हेड ऑफ इनकम में उसको डिवाइड करेंगे सब इनकम को बट इनकम का मतलब क्या होता है वो आज अपन इसके ऊपर हाईलाइट डालेंगे और आज अपन इसके बारे में सीखेंगे कि इनकम होता क्या है तो देखिए चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती थी इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स चार्ज होगा एंड इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन पर्सन हर पे चार्ज चार्ज होगा इट इज ऑन द टोटल इनकम अर्न अर्न बाय द पर्सन पर्सन जो अर्न करता है प्रीवियस ईयर में उस पर चार्ज होगा और ये कौन सी रेट से चार्ज होगा जो कि फिनेंस एक्ट में रेट दे रखी है और रेट अपन दो दिन में वही पढ़ रहे थे कि भैया इंडिविजुअल एच एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में करके ठीक है आपका जो है वो स्लैब रेट लगता है टू लैख फिफ्टी तक कोई टैक्स नहीं लगता तो प्रिस्क्राइब फाइनेंस एक्ट की रेट है वो अपन पढ़ चुके हैं बट कुछ स्पेशल रेट्स पढ़ाना बाकी है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ठीक है चलिए उसके बाद प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें कोई दिक्कत नहीं था अब अपन है ना पर्सन के बारे में जो मैं आपसे आपके साथ बात कर रहा था मैंने आपको उस टाइम जो पर्सन के बारे में बताया था इंडिविजुअल पर्सन में आता है ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल है वो पर्सन है जैसे आप हो मैं मैं हूं मैं पर्सन हूं आप पर्सन हो इंडिविजुअल मीन अ नेचुरल पर्सन अ ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड पर्सन एक बात बताइए माइनर बच्चा भी पर्सन में आएगा या नहीं माइनर अगर कोई माइनर है तो माइनर भी पर्सन में आएगा या नहीं माइनर चाइल्ड पर्सन में आएगा या नहीं दस दिन का बच्चा है क्या वो भी इंडिविजुअल में आएगा या नहीं हुँ? रेट हरियर चेंज होती है यस रेट हरियर चेंज होती है नॉर्मली चेंज करते नहीं बट चाहे तो हरियर चेंज कर सकते हैं मुझे एक बात बताइए माइनर बच्चा है वो पर्सन में आएगा या नहीं चलिए बताइए माइनर पर्सन में आएगा या नहीं क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में मैंने बोला इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्या माइनर इंडिविजुअल है यानी मैंने एग्जाम्पल में लिखा था मिस्टर तुषार हा ट्रस्ट किधर आएंगे आज बताएंगे ट्रस्ट एओपी बीवाई में आते हैं बेसिकली एओपी में आते हैं माइनर आएगा या नहीं माइनर बच्चा हम्म क्या वो इंडिविजुअल है या नहीं क्या माइनर को अपना टैक्स खुद ही भरना पड़ता है या उसका टैक्स है वो उसके पापा के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है इनकम एक बात बताऊं जो माइनर होता है ना वो भी इंडिविजुअल में आता है तो माइनर जो होगा तो इंडिविजुअल का मतलब यहां पे नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग द माइनर जैसे मैंने तुषार का एग्जांपल लिखा था आपकी बुक में जहां पे ये लिखा है यहां पास में चाहिए तो आप लिख सकते हो दैट इज इंक्लूडिंग माइनर माइनर भी तो इंडिविजुअल है वो भी तो पर्सन है क्यों नहीं है पर्सन क्या क्या प्रॉब्लम है माइनर में क्या ही दिक्कत है माइनर की जो इनकम है वो एग्जेम्ट नहीं होती है टैक्सेबल होती है आगे जाके अपन देखेंगे देखो माइनर की है ना जितनी भी इनकम होती है नॉर्मली वो पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होती है दो इनकम को छोड़ के दो इनकम को छोड़ के एक तो अगर माइनर है ना वो मैनुअल वर्क करता है मैनुअल वर्क का मतलब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक बच्चा है जो माइनर चाइल्ड है वो चाय बेचता है और चाय बेचता है रेलवे स्टेशन पे जाता है और रेलवे स्टेशन पे जाके और सबको बोलता है चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो तो वो चाय बेचता है मैनुअल वर्क करता है माइनर बच्चा है उसकी इनकम होती है वो माइनर चाइल्ड के खुद के हाथ में टैक्सीबल होती है वो माइनर चाइल्ड के खुद के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है वो पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती खुद के हाथ में टैक्सेबल होती है और एक अगर माइनर बच्चा जो है ना वो अपने स्किल एंड टैलेंट से कुछ कमाता है स्किल एंड टैलेंट का मतलब होता है जैसे मान लो मेरा बेटा है छोटा वो सारे गामा पा में गया चार सारे गामा पा लिटिल चैम्स में और जब सारे गामा पा लिटल चैम्स में गया और वहां पे उसने गाना गाया झलक दिखला आ जा एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा ऐसा ऐसा गाना गाया करके ठीक है तो अगर ऐसा गाना गाया उसने झलक दिखला जा वाला तो उस पर्टिकुलर केस में उसको जो इनकम मिलेगी ना वो खुद के उसके हाथ में टैक्सेबल होगी मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी तो मैंने क्या बोला ये मैं आपको आगे जाके इन डिटेल पढ़ाने वाला हूं जो क्लबिंग ऑफ इनकम करके टॉपिक रहेगा वहां पे मैं इन डिटेल आपको इन डेप्थ पढ़ाने वाला हूं और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको इत, इतना इन डेप्थ पे ले जाऊंगा टॉपिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट को जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा करके ठीक है तो चलिए और आप ये पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं जितने भी हमारे ऑल इंडिया रैंकर रहे हैं आपके बुक के पीछे तो दो लोगों के फोटो है जो सीए वाले अभी वाला जो रंजन करके था वो बंदा है उससे पहले जो है दिल्ली का एक अर्जुन मेहरा था ही वॉज ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक करके ठीक है तो यू कैन आस्क टू कि हम कौन से लेवल तक आगे वाले टॉपिक्स में चीजों को लेके जाने वाले हैं ठीक है, है? चलिए तो एक बात समझना मैं बोल रहा हूं कि माइनर चाइल्ड जो होता है ना वो भी अपने आप में एक पर्सन है माइनर पर्सन क्यों नहीं है माइनर इज पर्सन मैंने क्या बताया माइनर की जो इनकम होती है वो इनकम पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होती है बट दो इनकम माइनर के खुद के हाथ में टैक्सेबल होती है दो इनकम है ना वो माइनर के खुद के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है एक तो कौन सी, अगर उसने कुछ से कमाई है तो और दूसरी कौन सी पता है, है।, है तो टैक्सेबल होती है अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा करके ठीक है हाँ एक वो पूजा करके वो सीएमए की स्टूडेंट है जो ऑल इंडिया रैंक वन थी और उसको सीएमए फाइनल में पता है ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आया डी में जो पूजा करके पीछे बुक के पीछे फोटो रहेगा पूजा चतवनी स्कोर दाइस्ट मार्क्स इन दी एम एन दीटी अब एक बात बताऊ मुझे माइनर चाइल्ड का पैन कार्ड नहीं बन सकता चलो बताओ मुझे आप में से कितने लोगों को यह डाउट आया कि सर माइनर चाइल्ड का पैन कार्ड नहीं बन सकता हुँ? माइनर चाइल्ड का पैन कार्ड नहीं बन सकता ये कितने लोगों को आया बुक ही नहीं आई सर आ जाएगी डोंट वरी आ जाएगी सब आ जाएगा हाँ हाँ तो यहां लोग बोल रहे हैं बहुत सारे कि माइनर चाइल्ड का पैन कार्ड नहीं बन सकता अरे खजूर लोगों माइनर चाइल्ड का पैन कार्ड बनता है आप बना सकते हो माइनर चाइल्ड का किसी भी माइनर का पैन कार्ड बनाना है आप बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है करके ठीक है अगर आप गूगल पे जाके ढूंढोगे करके ठीक है माइनर का जो पैन कार्ड तो है वो आपको मिल जाएगा पैन कार्ड का अप्लाई कैसे करना है वो भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वेबसाइट दे रखी है एनएसडीएल की और एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके और आप ढूंढोगे तो माइनर का पैन कार्ड के बारे में आपको मिलेगा करके ठीक है तो यहां पे माइनर का जो पैन कार्ड होता है वो माइनर के पैन कार्ड पे नॉर्मली फोटो नहीं आती है माइनर का जो पैन कार्ड होता है उस पर फोटो नहीं आती है सिर्फ लिखा होता है दिस तो पैन कार्ड इज बिलोंग्स टू द माइनर तो माइनर का पैन कार्ड होता है उस उस फोटो फोटो नहीं आती है आप देखोगे तो नॉर्मली नहीं आती है नॉर्मली पैन कार्ड पर फोटो आती है करके ठीक है बट माइनर के पैन कार्ड पर फोटो नहीं आती पैन कार्ड पर फोटो आती है नहीं आई हैव टू चेक करके ठीक है बट माइनर के पैन कार्ड जो होता है वो माइनर के पैन कार्ड पर फोटो नहीं आती है और लिखा होता है ऊपर दिस इज द माइनर पैन कार्ड करके ठीक है तो माइनर का पैन कार्ड बन सकता है तो पहली चीज तो आप अगर ये दिमाग में रख रहे हो कि माइनर चाइल्ड का पैन कार्ड नहीं बनता बनता है पैन कार्ड करके ठीक है और एक और चीज ध्यान रखना पैन कार्ड बनाने से ऐसा जरूरी नहीं है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है मैं क्या बोल रहा हूं पैन कार्ड बनाने से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करना है तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं होता कि आपको इनकम टैक्स में अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हर साल रिटर्न का मतलब होता है पूरा स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा दैट इज नॉट नेसेसरी वो जरूरी नहीं है अब एक और बात बताओ जब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा था तो इंडिविजुअल के केस में आपका जो माइनर है वो इंडिविजुअल है मुझे एक बात बताइए अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड वाला है कोई पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है करके ठीक है अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो मुझे एक बात बताओ अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो इंडिविजुअल में आएगा या नहीं आएगा पर्सन में आएगा या नहीं अनसाउंड माइंड का Miss, कोई पर्सन है मिस कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी मेंटल स्थिति सही नहीं है मेंटल स्थिति सही नहीं है क्या वो भी इंडिविजुअल में आएगा या नहीं आएगा आंसर इज यस वो भी इंडिविजुअल में आएगा अगर कोई पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है तो वो भी पर्सन में आएगा वो भी पर्सन में आ जाएगा तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि इंक्लूडिंग माइनर चाइल्ड या अनसाउंड माइंड पर्सन करके ठीक है अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जिसका मेंटल पोजीशन सही नहीं है ही मेंटल हेल्थ सही नहीं है वो भी इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आएगा एज वेल एज एक चीज समझना जो भी लोग थर्ड जेंडर वाले है करके ठीक देखो मैन वुमेन जो है वो तो इंडिविजुअल में आएंगे बट सर एक बात बताइए जो थर्ड जेंडर वाले लोग है, क्या वो भी तुम्हारे इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे आंसर इज यस क्यों नहीं आएंगे क्या दिक्कत है करके ठीक है नाउ एट इज थर्ड जेंडर इज अक्वल करके ठीक है थर्ड जेंडर वाले है वो इक्वल है करके कोई दिक्कत नहीं है तो थर्ड जेंडर वाले है वो भी इंडिविजुअल में आएंगे एक बात बताऊं पहले एक दिक्कत आती थी आज से अगर मैं बात करूं ना दस साल पहले की दस साल पहले क्या हुआ था होता था पता है तुमको मैन के लिए अलग रेट थी और वुमेन के लिए अलग रेट थी वुमेन को टैक्स अलग तरीके से लगता था मिस वुमेन को टैक्स कम लगता था रेट हायर थी हायर बेसिक एग्जामिशन थी वुमेन के लिए लेकिन मैन के लिए कम बेसिक एग्जामिशन थी तो पहले क्या होता था पता है तुमको वुमेन के लिए अलग आता था मैन के लिए स्लैबरेट अलग थी तो लोगों को ये डाउट आया था, था कि थर्ड जेंडर के लिए स्लैबरेट कौन सी यूज करनी है करके ठीक है जो थर्ड जेंडर है उसके लिए स्लैबरेट कौन सी यूज करनी है ये उस टाइम पे लोगों में डाउट आता था बट अब आजकल तो ऐसा है नहीं आजकल तो मैन हो या वुमेन हो इंडिविजुअल के लिए सेम स्लैबरेट है मीन ढाई लाख तक का बेसिक एग्जामिशन है बट पहले ऐसा हुआ करता था आज से अगर आप दस साल पहले जाओगे आप अपने पेरेंट्स से वगैरह बात करोगे तो उस टाइम पे क्या होता था मैन के लिए अलग रेट थी वुमेन के लिए अलग रेट थी मैन के लिए ढाई लाख का मान लो बेसिक एक्सामिशन आज की डेट में लाख उस टाइम अलग हुआ करता था मैन के लिए अलग बेसिक एग्जामिशन था वुमेन के लिए अलग बेसिक एग्जामिशन था तो हम जब पढ़ते थे ना, जब मैं पढ़ता था इन टू जब मैंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था सेवन एट में तो मुझे ये डाउट आता था यार इसमें क्या होगा करके हम सर को भी पूछते थे तो सर बोलते थे करके ठीक है जो बेनिफिशियल है वो ले लो करके ठीक है अगर आप किसी थर्ड जेंडर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए जो बेनिफिशियल है अगर मान लो वुमेन वाला जो फीमेल वाला स्लैब है वो ज्यादा बेनिफिशियल है तो वो वाला आप उसके लिए ले सकते हो तो इंडिविजुअल में क्या क्या आता है माइनर आएगा अनसाउंड माइंड आएगा एज वेल एज थर्ड जेंडर है वो भी उसमें आता है अब एक बात समझना एच के बारे में मैंने आपको बताया था कि एचयूएफ के केस में क्या होता है हमारे हिंदू जो है देखो आजकल मैं बताऊं ना एच यू का तो बिल्कुल ही गलत यूज हो रहा है और आगे जाके आप देखोगे ये आप नोट कर लेना जब आप CA फाइनल में जब आओगे तो मोस्टली उस टाइम तक नया इनकम टैक्स लॉ आ गया होगा और तब तक ये एच का फंडा ही बंद हो गया होगा एच यूएफ का फंडा जो है आजकल कोई फैमिली बिजनेस होते नहीं है आजकल जो है वो फैमिली बिजनेस होते नहीं है इसमें हमने एक चीज देखी थी कि जो को पार्टनर्स होते हैं और कोई होते हैं मेंबर तो मेंबर का मतलब होता है कि जो उस एचय के मेंबर है बट को पार्टनर्स वो होते हैं जो एच यूएफ की प्रॉपर्टी का बंटवारा करा सकते हैं जो एच यू एफ की प्रॉपर्टी का बंटवारा करा सकते हैं दैट इज कॉल योर मेंबर वो मेंबर होते हैं जो एच यू एफ की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं अब जैसे हम तीन भाई है तो भाई लोग हैं हम को पार्टनर है, है वो मेंबर में ठीक है बट वो को पार्टनर नहीं है लेकिन जो वाइफ होती है ना वो दो एच की मेंबर हो सकती है क्योंकि एक तो उसके पापा का एच है उसकी भी मेंबर होगी उसका जो पापा का जो एच एफ है वो पापा के एच की भी मेंबर होगी और हमारे एच की भी मेंबर होगी करके ठीक है एच के बारे में मैं आपको और आगे जाके बताऊंगा जहां पे टैक्स प्लानिंग की बात आएगी तो टैक्स प्लानिंग में मैं बताऊंगा कि कैसे टैक्स प्लान करते हैं तो जैसे रेस्पेक्टिव टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा उसके बाद कंपनी की बात की थी एक बात बताऊ कंपनी के केस में मैं बताऊं तीन तरह की कंपनी होती है बट ये तीनों के बारे में मुझे आज नहीं बताना है आज मैं नहीं बताऊंगा तीन तरह की कंपनी होती है एक इंडियन कंपनी होती है एक फॉरेन कंपनी होती है और एक डोमेस्टिक कंपनी कंपनी होती है अब आप बोलोगे यार इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी में क्या फर्क है इंडियन कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है इतना समझता है एक होता है फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है जैसे फेसबुक है जैसे ट्विटर है ये बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी एक होती है डोमेस्टिक कंपनी क्योंकि आपको पता है टैक्स रेट पड़ते टाइम मैंने डोमेस्टिक कंपनी का लिखवाया था कि डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो 25% एंड 30% है तो डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलेंगे ना वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं डिविडेंड टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं डिविडेंड के साथ उसको लिंक करके आपको बताऊंगा कि डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे और इंडियन कंपनी किसको बोलेंगे उस डेफिनेशन को मैं वहां पे पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप फर्म में एल एल पी भी आ जाता है पार्टनरशिप फर्म क्या होता है जब लोग आपस में मिलके और कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस वगैरह करते हैं पार्टनरशिप फर्म और साथ में जो एल एल पी होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो भी तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में आ जाती है तो हम इनकम टैक्स में जहां पे भी फर्म बोलेंगे ना फर्म का मतलब एल एल पी भी है करके एओपी बी ओ क्या होता है एग्जाम्पल के लिए ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कुछ लोग साथ में मिलते हैं और साथ में मिलके कुछ ना कुछ करते हैं करके ठीक है साथ में मिलके कॉमन इंटेंशन के लिए साथ में आते हैं और अगर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते या कंपनी नहीं बनाते हैं कंपनी नहीं बनाते हैं या पार्टनरशिप फर्म है वो नहीं बनाते हैं करके ठीक है तो उस केस में उसको एओपीबीवाई माना जाता है एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया ज्वाइंट वेंचर क्लब से उसके साथ में आप चाहिए तो यहां लिख सकते हैं ट्रस्ट करके जो ट्रस्ट होते हैं ना वो भी एओपी बीवाई होते हैं जो ट्रस्ट होते हैं ट्रस्ट एनजीओ एनजीओज होते हैं ना एनजीओज जो ट्रस्ट होते हैं करके ठीक है एनजीओ या जिसको आप ट्रस्ट बोल सकते हो उसमें क्या होता है ट्रस्टी मिलते हैं और ट्रस्टी मिलकर ट्रस्ट चलाते हैं तो एनजीओ जो होते हैं ट्रस्ट होते हैं वो भी तुम्हारे एओपी की कैटेगरी में आते हैं बट एओपी बीवाई में मेन डिफरेंस क्या होता है एओपी में कोई भी मेंबर बन सकता है BOI में सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर बन सकते हैं तो अगर हम इंडिविजुअल लोग हैं है. इतना याद रखिए म्यूनिस्पिलिटी ग्राम पंचायत वगैरह जो है दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन में जो कहीं नहीं आता वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन में आ जाएगा जैसे देवी देवता वगैरह देवी देवता वगैरह है वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन में आएगा यूनिवर्सिटीज वगैरह है तो वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन में आएगा हाँ तो जैसे आकाश बोल रहा है वो भी तुम्हारे आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन में आएगा कि जो ऊपर कहीं नहीं आता वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन में चलिए उसके बाद हमने असएस्सी का डेफिनेशन पढ़ा था बट एस का डेफिनेशन मैंने यहां पे आपको आधा ही पढ़ाया था आधा वाला डेफिनेशन एस का आज पढ़ेंगे क्योंकि मैंने लिखा था इट मीनस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट तो मैंने आपको लिखा था लाइबल टू पे द टैक्स या तो टैक्स पे करने के लिए कोई पर्सन लाइबल है या एनी अदर सम एनी अदर सम का मतलब क्या है मैंने वहां बोल के ऐसा निकल गया था कि पेनल्टी वगैरह है करके ठीक है तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे आगे जाके कि भैया एनी अदर सम में क्या क्या हो सकता है करके ठीक तो है वो उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे चलिए अब अपन है ना इसके बाद में टैक्स रेट चालू कर दिए थे प्रैक्टिकल पार्ट पे चले गए थे चलिए आज अपन बात करेंगे सर इनकम टैक्स है वो इनकम पे लगता है तो इनकम में क्या क्या आएगा आप मुझे बता सकते हैं इनकम का मतलब क्या होगा आप समझिए इनकम पे इनकम टैक्स लगता है तो इनकम में क्या होगा क्या ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट आर इनकम ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट आर इनकम ऑल टाइप आपको कोई भी रिसिप्ट मिलती है क्या वो सब इनकम है हाँ आपको क्या लगता है क्या सर हमको ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट है वो इनकम माना जाएगा जैसे मान लो आप कहीं रस्ते से जा रहे थे बेल पूरी खा रहे थे और आपको कुछ पैसा मिल गया आपके बैंक में कुछ पैसा आ गया करके ठीक है आपकी लॉटरी लग गई तो एक बात बताओ इनकम का मतलब क्या होगा क्या ऑल टाइप ऑफ जो भी आपको रिसिट मिलेगी सब इनकम है सॉरी सॉरी इनकम का मतलब क्या सिर्फ रेवेन्यू रिसिट इनकम होगी या कैपिटल रिसिट भी इनकम होगी हाँ। मुझे बताओ सिर्फ रेवेन्यू रिसिट है वो इनकम होगी या कैपिटल रिसिट भी इनकम होगी इनकम मीन किसी ने बोला वाओ बोलता है कि सिर्फ रेगुलर रिसिट होगी ना वही इनकम होगी कैजुअल रिसिट इनकम नहीं है हा? किसी ने बोला कि सिर्फ है ना सर अगर मान लो रेगुलर जो रिसिट होगी वही इनकम में आएगी उसी को इनकम टैक्स लगेगा अगर कोई कैजुअल रिसिट हो गई तो उसको इनकम में नहीं लेंगे क्या सारे इनकम है वो इनकम में जाएंगे या सिर्फ रेवेन्यू रिसेट इनकम में जाएगी इनकम का मतलब क्या कोई बोल रहा है ऑल रिसिट इज इनकम कोई बोल रहा है नहीं नहीं सर रेवेन्यू रिसिट इज इनकम एक बात बताओ आपने किसी से लोन लिया रिसिट तो है आपने मान जिसका नाम है मिस्टर बीबी ये बंदा है मिस्टर बीबी और मैंने क्या किया मान लो किसी से लोन लिया बीमार लग रहा है ना हा बीमार लग रहा है ठीक हो जाएगा हाँ मिस्टर बीबी इसने क्या किया किसी बंदे से लोन लिया जैसे हरी से मैंने लोन लिया तो लोन रिसिप्ट तो है बट क्या ये इनकम माना जाएगा क्या ये इनकम माना जाएगा रिसिप्ट तो है बट क्या ये इनकम माना जाएगा मैंने लोन लिया किससे हरी से तो लोन भी क्या इनकम माना जाएगा क्या क्या ऑल टाइप ऑफ रिसिट्स आर इनकम हम्म लोन लिया किसी ने बोला कि ऑल फैक्टर रिसिट्स ये तो इनकम थोड़ी है तो लोन तो लाइबिलिटी है तो क्या ये भी इनकम माना जाएगा तो एक चीज समझना बेटा जो आपकी रिसिट होती है ना वो दो तरह की हो सकती है रिसिट जो आपकी होती है वो रिसिट बेसिकली दो तरह की हो सकती है एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसिट और एक होती है आपकी कैपिटल रिसिट एक होती है रेवेन्यू रिसिट और एक आपकी होती है कैपिटल कैपिटल रिसिट ध्यान रखना रेवेन्यू रिसिट है ना इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम ये आपकी हमेशा इनकम मानी जाएगी अगर कोई रेवेन्यू रिसिट है जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूं और मेरे को पढ़ाने से कुछ भी पैसा मिलता है मैं कुछ लिखना नहीं है मैं लिखवा दूंगा ठीक है मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़ाने से मुझे कोई भी पैसा मिलता है तो वो पैसा जो मिलेगा ना वो मेरी रेवेन्यू रिसिट है आपके पापा है वो काम करते हैं जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं वो उससे कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिट तो रेवेन्यू रिसिट होती है ना वो हमेशा आपकी इनकम मानी जाएगी और ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी रेवेन्यू रिसिट है वो रेवेन्यू रिसिट हमेशा इनकम मानी जाती है वो टैक्सेबल हो जाती है लेकिन एक होती है कैपिटल रिसिट एक होती है कैपिटल रिसिट तो क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल रिसिट क्या टैक्सेबल होगी क्या मैं बताऊं नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली नॉर्मली कैपिटल रिसिट नॉट ट्रीटेड एज इनकम ट्रीटेड एज इनकम कैपिटल रिसेट है वो नॉर्मली इनकम नहीं माना जाता नॉर्मली इनकम नहीं माना जाता बट इफ इट इज इफ इट इज इट इज इफ इट इज बट इफ इट इज बट इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ प्रोवाइडेड बाय लॉ देन कैपिटल रिसेट रिसेट ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रीटेड एज इनकम तो देखो नॉर्मली क्या होता है दो तरह की रिसिट होती है वन इज द रेवेन्यू रिसिट वन इज द कैपिटल रिसिट रेवेन्यू रिसिट जो होती है ना मतलब आप जो है नॉर्मली जो जितनी भी रिसिट्स है वो आप कैपिटल को याद रख लो तो रेवेन्यू अपने आप याद हो जाएगा कैपिटल को छोड़ के बाकी जितनी भी रिसिट है वो रेवेन्यू रिसिट है कैपिटल रिसिट में क्या आएगा जैसे आपने कोई लोन लिया करके ठीक है दैट इज द कैपिटल रिसिट ऑब्वियसली ये लोन है करके ये कोई इनकम नहीं है दूसरी चीज अगर मान लो कोई कैपिटल मिलती है जैसे कोई कंपनी है कंपनी ने शेयर इशू किए तो कंपनी जब अपने शेयर इशू करेगी कंपनी जो है वो अपने शेयर इश्यू करेगी और शेयर इशू करने के से जो पैसा मिलेगा क्या वो तुम्हारा रिसिट है वो क्या तुम्हारा क्या टैक्सेबल हो जाएगा वो इनकम माना जाएगा आंसर इज नो तो लोन है एज वेल एज द कैपिटल है एक चीज ध्यान रखना लोन और कैपिटल जो होता है ना वो तुम्हारा मान लेता हूं मैं कैपिटल रिसिट है तो वो टैक्सेबल नहीं होता आपने किसी से लोन ले लिया क्या वो टैक्सेबल होगा आंसर इज नो अगर कंपनी ने शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया और कैपिटल का कुछ पैसा मिला या फिर मान लो प्रोपराइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर कैपिटल लेके गया तो क्या कैपिटल है वो इनकम माना जाएगा आंसर इज नो दैट इज द कैपिटल रिसिट तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि नॉर्मली जो कैपिटल रिसिट होती है ना वो इनकम नहीं मानी जाती लेकिन अगर लॉ में लिखा हुआ है कि कैपिटल रिसिट इनकम है तो इनकम मानी जाएगी मैंने क्या लिखा इट इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ दैट कैपिटल रिसिट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनकम तो इनकम मानी जाएगी अब एक बात समझना और ये कहां प्रोवाइड किया है इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन में करूंगा आपके साथ कैपिटल गेन टॉपिक में बट अभी मैं आपको एक हिंट्स देता हूं दैट इज कैपिटल गेन टॉपिक और कैपिटल गेन में जो कैपिटल रिसिट होती है ना वो टैक्सेबल होगी वो इनकम मानी जाएगी जो कैपिटल रिसिट होती है वो कैपिटल रिसिट इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन है टॉपिक में कैपिटल गेन पूरा बड़ा सा टॉपिक है और उस पूरे टॉपिक में आपको बताओ कैपिटल रिसिट होगी वो इनकम मानी जाएगी वो रेवेन्यू रिसिट नहीं है वो कैपिटल रिसिट है वो इनकम मानी जाएगी जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके पापा ने सोचिए अपना घर बेचा आपके पापा ने भगवान करे किसी को घर ना बेचना पड़े करके एग्जाम्पल है जस्ट हो सकता है आपके पास दस घर थे तो एक घर बेच दिया एक बात बताइए आपके पापा ने घर बेचा तो उस पे जो इनकम हुई ये तो कैपिटल रिसेट है ना क्योंकि घर जो है वो एक कैपिटल असेट है और उसको अगर आपने बेचने से जो इनकम हुई दैट इज द कैपिटल रिसेट तो क्वेश्चन ये आता है ये टैक्सेबल होगी या नहीं आंसर इज यस ये टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन में आपको जाके मैं समझाऊंगा कि जो भी आपने कैपिटल असेट ट्रांसफर किया कैपिटल असेट ट्रांसफर किया कैपिटल असेट ट्रांसफर किया तो कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन होगा और वो कैपिटल गेन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना वही कैपिटल गेन हेड में मैं बताऊंगा कि अगर आप कोई भी पर्सनल असेट बेचते हो कोई भी आप पर्सनल असेट बेचते हो तो पर्सनल असेट को नॉट अ कैपिटल असेट इसको कैपिटल असेट नहीं माना जाता पर्सनल असेट को कैपिटल असेट नहीं माना जाता और पर्सनल असेट को बेचोगे तो बेटा वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा नॉट टैक्सेबल आप पर्सनल असेट कोई भी बेच दीजिए आप पर्सनल असेट कोई भी बेच दीजिए जो आपकी मर्जी है वो पर्सनल असेट बेच दीजिए आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा आपके घर पे एसी यूज होता था खराब हो गया कबाडी वाले को बेच दिया मान लो करके ठीक है कैपिटल गेन नहीं लगेगा वो इनकम नहीं है क्योंकि कैपिटल गेन हेड में मना किया हुआ है कि पर्सनल आप बेचोगे तो उस पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा मान लो आपका कैलकुलेटर खराब हो गया था और कैलकुलेटर खराब हो गया था और कैलकुलेटर को आपने किसी को बेच दिया करके उससे कुछ पैसा मिला क्या यह टैक्सेबल होगा आंसर इज नो ये टैक्सेबल हो no, नहीं होगा ये टैक्सेबल नहीं होगा आपकी कोई भी पर्सनल असेट ये मैंने मेरा शर्ट बेच दिया ये मैंने मेरा शर्ट बेच दिया करके ठीक है ये मैंने मेरा शर्ट बेच दिया तो शर्ट बेचना कोई मेरा काम थोड़ी है ये तो मेरे लिए एक असेट है तो शर्ट मैंने बेच दिया उसका पैसा आया क्या ये टैक्सेबल होगा आंसर इज इज नो बिकॉज इट पर्सनल तो आगे जाके मैं आपको ये समझाऊं कार बेची आपके घर की कार अगर आप बेचते हो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता अगर आप अपने घर की कार बेचते हो करके ठीक है तो कैपिटल गेन नहीं लगता लेकिन एक बात बताओ पर्सनल असेट कौन सी वाली बेचोगे पता है सिर्फ मूवेबल वाली ओनली मूवेबल पर्सनल असेट बेचोगे मूवेबल पर्सनल असेट करके ठीक है तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगता और उसमें भी कुछ एक्सेप्शन डाल रखे हैं कौन कौन से एक्सेप्शन डाल रखे पता है ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट इसके बारे में इन डिटेल में आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा बट एक चीज समझना आप ऐसा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी मूवेबल पर्सनल असेट बेचोगे तो उस उसपे कैपिटल गेन नहीं लगता मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा तो आप अपना पर्सनल असेट में घर का बाइक बेच दीजिए आप घर पे मान लो कार है वो कार बेच दीजिए शर्ट बेच दीजिए आपका रेस्ट वॉच बेच दीजिए करके ठीक है कुछ भी बेच दीजिए चलेगा उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता मीन पे कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन बेटा ये वाली कुछ असेट ऐसी है ना ये छह असेट को उन्होंने अलग कर रखा है ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट सर आप बोलोगे ये क्या होता है ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा देखो पर्सनल बेचोगे कैपिटल गेन नहीं लगता लेकिन मैंने गोल्ड चेन बेच ली अगर एक बात बताओ अगर मैंने गोल्ड चेन बेच ली ये मेरी गोल्ड चेन है ये मैंने बेच ली तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज यस तो तो टैक्स लगेगा तो तो इनकम माना जाएगा मीन्स अगर आप इनको बेचते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपका टैक्स लगेगा इनको बेचोगे तो टैक्स लगेगा क्योंकि ये आपकी इनकम मानी जाती है तो देखिए मेरे डिस्कशन में मैंने क्या बताया रिसिट दो तरह की रिसिट होती है करके ठीक है दो तरह की रिसिट होती है एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसेट करके एक होती है कैपिटल रिसिट रेवेन्यू रिसिट होती है ना वो हमेशा टैक्सेबल होती है आप ये समझ के चलिए रेवेन्यू रिसिट है वो हमेशा टैक्सेबल होती है करके ठीक अब किसी ने है ना बड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे मस्त वाले सर मान लो आपकी घड़ी में हीरे जड़े हुए हैं वो घड़ी बेची तो क्या होगा सर मान लो हमने तो क्या किया आप बोल रहे हो कि बाइक नहीं बेच सकते मैंने तो बाइक है ना पूरी गोल्ड की बना ली मैंने तो बाइक जो है वो पूरी गोल्ड की बना ली मैंने तो सर है ना टाटा कार जो है टाटा की कार थी पूरी गोल्ड की बना दी उस पर हीरे जड़वा दिए करके ठीक है तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं तो इनकम मानेगा माना जाएगा या नहीं एक बात बताऊं सब बता दूंगा यार आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो बस मैं सिर्फ आपसे एक ही गुहार लगा रहा हूं आप थोड़ा टाइम दे दो मैं आपको हर चीज का रीजन बताऊंगा कि ज्वेलरी वगैरह क्यों ऐड की है ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग क्या होता है स्कल्पचर्स क्या होता है आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन क्या होता है सृष्टि सब चीजें मैं बता दूंगा बट आप अपने डाउट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करिए रिस्ट्रिक्ट मतलब कि ये आगे जाके आने वाला है आज मैं आपको अगर बताने जाऊंगा ना कि ज्वेलरी को क्यों इंक्लूड किया है क्या ज्वेलरी में सर बिस्किट आएगी या नहीं आएगी सर मान लो घर पे बर्तन है वो बर्तन हमने चांदी के बर्तन है तो सर बेचे चांदी के बर्तन पर्सनल असेट में आएंगे या नहीं आएंगे सर अगर मान लो सोने के बर्तन है करके ठीक है हमने गोल्ड की थाली ले ली गोल्ड का लोटा बेच दिया तो क्या वो इनकम माना जाएगा या नहीं मैं आपको सब बता दूंगा मेरे भाई लोगों जितना आप नहीं सोच सकते ना उतना ज्यादा मैं बताने वाला हूं बिकॉज आपको बहुत सारे फाइनल के बच्चों ने रिकमेंड किया है कि भाई बीबी सर के पास आप डेटी पढ़ो तो फाइनल के बच्चों ने जब रिकमेंड किया है तो फाइनल के बच्चों को पता है कि हम कौन से लेवल तक पढ़ते हैं करके ठीक है चलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं देखो आप इसको कैसे अभी तक याद रखोगे आप ऐसे याद रखो कि, कि, कि इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिट बट कुछ कैपिटल रिसिट भी टैक्सेबल होगी कैपिटल रिसिट नॉर्मली टैक्सेबल नहीं होती है बट कैपिटल रिसिट है वो कैपिटल रिसिट टैक्सेबल हो जाएगी इफ इट इज इफ इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय द लॉ तो चलिए एक काम करिए आप लिखिए 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 जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखिए लिखिए इनकम हेडिंग दे दीजिए इनकम 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 थोड़ा सबर रख हां लिखिए इनकम इनकम और इनकम में पॉइंट नंबर ए लिखिए रेवेन्यू रिसिट पॉइंट नंबर ए लिखिए रेवेन्यू रिसिट रेवेन्यू रिसिट मतलब जो आप डे टू डे ऑपरेशन करते हो डे टू डे काम करते हो उससे जो रिसिट होती है जैसे मान लो आपके पापा जॉब करते हैं उनको सैलरी मिलती है दैट इज द रेवेन्यू रिसिट उन्होंने कोई कैपिटल तो कोई बेचा नहीं है तो दैट इज द रेवेन्यू रिसिट करके ठीक है लिखिए लिखिए जैसा मैं बोलता हूं रेवेन्यू रिसिट लिखिए इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम 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 एंड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉस एंड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉस इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम एंड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉस टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉस दूसरा लिखिए रेवेन्यू दूसरा लिखिए कैपिटल रिसेट मेरी राइटिंग अच्छी है मैं निकाल सकता हूं अच्छी राइटिंग हाँ कैपिटल रिसेट लिखिए कैपिटल रिसेट लिखिए कैपिटल रिसेट नॉर्मली कैपिटल रिसेट नॉर्मली कैपिटल रिसेट नॉर्मली कैपिटल रिसेट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम नॉर्मली कैपिटल रिसेट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम Normally, capital receipt is not treated as income and it is not taxable. And it is not taxable. And it is not taxable. Example, 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 loan taken, example, loan taken, comma, comma. शेयर कैपिटल इशूड बाय कंपनी 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 फुल स्टॉप फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे कैपिटल रिसेट्स आर ट्रीटेड एज इनकम कैपिटल रिसेट्स आर ट्रीटेड एज इनकम Capital receipts are treated as income. Capital receipts are treated as income if it is specifically provided in law. 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 If it is specifically provided in law, full stop. In Income Tax Act, 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 in Income Tax Act it is provided that it is provided that. It is provided that if any person transfer capital asset, if any person, it is provided that if any person transfer capital asset, if any person transfer capital asset, then if any person transfer capital asset, then capital gain. इनकम देन कैपिटल गेन इनकम देन कैपिटल गेन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन देन कैपिटल गेन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन कैपिटल गेन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन बोले स्टॉप बोले स्टॉप नॉर्मली मूवेबल पर्सनल असेट नॉर्मली मूवेबल पर्सनल असेट्स नॉर्मली मूवेबल पर्सनल असेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट नॉर्मली मूवेबल पर्सनल असेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट नॉर्मली मूवेबल पर्सनल असेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट सो कैपिटल गेन नॉट एप्लीकेबल सो इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम ऐसा लिख लीजिए सो इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम सो इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम सो इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम चलिए सो इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम डन तो आप इसको अब ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लीजिए विल डिस्कस इन डिटेल विद कैपिटल गेन टॉपिक विल डिस्कस इन डिटेल विथ कैपिटल गेन टॉपिक विल डिस्कस इन डिटेल विथ कैपिटल गेन टॉपिक विल डिस्कस इन डिटेल विथ कैपिटल गेन टॉपिक अगर लैंड बेचा

से क्या कहा नॉर्मली मतलब नॉर्मली इसके लिए कि नॉर्मली पर्सनल मूवेबल पर्सनल असेट कैपिटल असेट नहीं होती क्योंकि कुछ कुछ पर्सनल असेट भी कैपिटल असेट होगी जैसे ज्वेलरी मैंने बोला ड्रॉइंग बोला ये कैपिटल असेट होगी इसके लिए मैंने यहां नॉर्मली लिखा है कि नॉर्मली मूवेबल पर्सनल है वो कैपिटल असेट नहीं होती और उसको अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा तो आप घर का कोई भी सामान बेचोगे बर्तन वर्तन बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्या हमारी चैट दिख रही है आंसर यस सबकी चैट दिख रही है बट क्या होता है ना बेटा मेरे सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है उसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं रीड नहीं कर पाता तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं करके ठीक है जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तब तो मुझे पढ़ाने दीजिए जब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं जब मैं आपको बोलूंगा करके ठीक है कि अब अब आप तब आप जरूर अब आप पूछिए पूछिए तब जरूर करके ठीक है चलिए एक काम करते हैं जिसका कोई मिस हो गया लिखने में रिपीट वाला अनुराग है ना वो उस ग्रुप में आएगा एक बच्चे को बोल रखा है मैंने वो रोज लिख के भेजेगा आपको कि आज क्या लिखवाया तो आपको मिल जाएगा करके ठीक है चलिए तो मैंने अभी आज का जो डिस्कशन था उसमें मैंने आपको इनकम के बारे में बताया इनकम का मतलब एक और चीज बताओ मुझे मुझे बताओ इनकम का मतलब रेवेन्यू रिसिट होती है वो इनकम होती है कैपिटल इनकम नहीं होती बट कैपिटल गेन में कुछ कैपिटल रिसिट टैक्सेबल होती है वो कैसे होती है क्या होती है कैपिटल गेन हेड में अपन पढ़ लेंगे लोन है वो कोई टैक्सेबल नहीं है अगर मान लो आपको कोई शेयर कैपिटल वगैरह इशू होता है या कोई राइट शेयर इशू होता है कंपनी को कैपिटल मिलता है तो वो कोई इनकम नहीं माना जाता करके ठीक है चलिए अब एक और समझता। एक और चीज सर बात बताओ इनकम का मतलब या था, था 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 रेगुलरी होना चाहिए या अगर एक दिन हो गया कैजुअल इनकम हो गई तो भी इनकम मानी जाएगी एक बात बताओ इनकम का मतलब क्या रेगुलर इनकम होनी चाहिए या कैजुअल इनकम हो गई तो भी इनकम मानी जाएगी पुनित इनकम का मतलब रेगुलरी होनी चाहिए या कैजुअल इनकम हो गई तो भी इनकम मानी जाएगी मान लो जैसे आपकी लॉटरी लग गई जैसे लॉटरी रोज तो लगती नहीं है लॉटरी लग गई करके ठीक है लॉटरी लग गई तो क्या लॉटरी लग गई वो भी इनकम में आएगा या नहीं आएगा लॉटरी लग गई वो भी इनकम में आएगा या नहीं आएगा आंसर इज यस वो भी इनकम में आएगा आएगा क्यों नहीं आएगा कैजुअल भी होगी ना इनकम का मतलब दोनों मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि रेगुलर जो है वो ही इनकम होगी जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे रेगुलरली इनकम हो रही है या आपके पापा जॉब कर रहे हैं रेगुलरली इनकम हो रही है पापा बिजनेस कर रहे हैं रेगुलरली इनकम हो रही है या आपने घर भाड़े पे दे रखा है रेगुलरली इनकम हो रही है तो वो तो इनकम है ही है अगर आपका कैजुअल हुआ करके ठीक है कैजुअल हुआ वो भी इनकम मानी जाती है कैजुअल इनकम होती है वो कैजुअल इनकम भी आपकी अनुराग जो है वो इनकम मानी जाती है करके ठीक है तो लिखिए एक नोट करके इसके नीचे एक नोट लिखिए नोट income include casual income also. income include income includes, income, also. income. includes casual income also. income includes casual income also. income includes casual income also. example. casual income also. example. winning from lottery. winning from lottery. winning from lottery. कॉमा कॉमा, कार्ड गेम्स, आर डी कार्ड गेम्स मतलब पत्ते खेले कार्ड गेम्स कार्ड गेम्स कॉमा, हॉर्स रेसेस हॉर्स रेसेस एटसेट्रा 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 ये आपने एक नोट लिखा तो विनिंग इनकम इंक्लूड द कैजुअल इनकम दल्सो इट मीन अगर आपको कैजुअल कोई इनकम होती है तो वो भी टैक्सेबल होती है वो भी इनकम मानी जाती है है ऐसा जरूरी नहीं भाई रेगुलर ही होनी चाहिए एक बार हुई वो भी इनकम मानी जाएगी केबीसी या केबीसी वाला भी इनकम है एक और बात बताओ मुझे एक चीज बताओ आपको जो इनकम मिलेगी तो वो इनकम पूरी टैक्सेबल हो जाएगी या नेट बेसिस पे टैक्सेबल होगी नॉर्मली ये नॉर्मल चीज पढ़ रहा हूं हर हेड में अलग अलग तरीके के रूल्स है बट मुझे एक बात बताइए जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं जो हूं हम लोग पढ़ाते हैं और हम लोग बुक भी आपको देते हैं तो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे जो पैसा मिला पूरे साल का मिला के चौबीस हजार रुपया मिला दैट इज माई रिसिट माई रिसिट इजी फोर थाउजेंड लेकिन इसके सामने मैंने खर्चे भी किए हैं क्योंकि मैंने बुक्स भेजी है कुरियर का खर्चा है बाकी हमारे स्टाफ का सैलरी है सब खर्चा है तो चौबीस हजार हमारी रिसिट है और इसमें से हमने जो खर्चे किए हैं वो मान लो बीस हजार है तो मेरा क्वेश्चन यह है कि इनकम कितना माना जाएगा इनकम जो है वो चौबीस हजार माना जाएगा या चार हजार माना जाएगा जो इनकम है इनकम पे टैक्स लगेगा क्योंकि टोटल इनकम पे टैक्स लगने वाला है तो इनकम कितना माना जाएगा चौबीस हजार माना जाएगा या चार हजार माना जाएगा हा चौबीस हजार माना जाएगा या चार हजार माना जाएगा तो ग्रॉस रिसिट या नेट Obviously, चार हजार माना जाएगा Obviously, खर्चे तो लेस करोगे ना। इनकम टैक्स भरना ठीक है कि नेट ऑफ एक्सपेंसेस जो आपका एक्सपेंडिचर वगैरह है वो नेट लेने के बाद मतलब नेट है वो इनकम मानी जाएगी ठीक है तो यहां पे एक और नोट लिख लो उसके नीचे एक और नोट लिख लो एक और नोट लिख लो इनकम मींस इनकम मीन्स इनकम मीन्स नेट रिसिट नेट रिसिट इनकम मीन्स नेट रिसिट इनकम मीन्स नेट रिसिट नेट रिसिट मीन्स पास में ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्रॉस रिसिट माइनस एक्सपेंसेस इनकम मीस नेट रेसिट नेट रेसिट मीन ग्रॉस रेसिट माइनस एक्सपेंसिस इनकम फिर तो लोग खर्चे का सेटअप कर देंगे तो करेंगे ही क्यों नहीं करेंगे बिजनेस में तो यही होता है कहीं कहीं पर खर्चे अलाउ नहीं होते मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ नहीं होते जैसे लॉटरी में अलाउ नहीं होते जो विनिंग होती है ना विनिंग में खर्चे अलाउ नहीं होते चलिए ग्रॉस रेसेट और एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम ग्रॉस रेसेट और एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम अब एक बात समझिए आप लोग एक और कॉन्सेप्ट जो अपन सीखने वाले हैं कुछ इनकम ऐसी होती है जो आपको देख के लगेगा इनकम नहीं है बट उसको इनकम मान लेंगे कुछ इनकम ऐसी होती है जो आपको देख के लगेगा कि ये इनकम नहीं है करके ठीक है बट आप उसको इनकम मान लेंगे ये बोलता है लोग जो है वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस दिखा देंगे भैया पढ़ेंगे करके ठीक है ऐसा हलवा थोड़ी है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर दिखा देंगे उन्होंने लिख रखा है कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे कितने एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे एक्सपेंडिचर पे कैसे कैसे ध्यान रखना पड़ेगा कैश में नहीं कर पाओगे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है करके ठीक है बाबू ऐसा नहीं है कि कुछ भी खर्चे बता देंगे ठीक है अपनी मर्जी से कुछ भी खर्चे बता देंगे करके ठीक है ऐसा नहीं होता है अब मैं आपको सिखाने वाला हूं आप हेडिंग दे दीजिए करके अपनी बुक में वहीं पे करके ठीक है और हेडिंग दे दीजिए अगर मान लो आपका पेज में आधा पेज से कम बचा है अगर आपका आधा पेज से कम बचा है तो आप अगले पेज पे चले जाइए और अगर आधा पेज या उससे ज्यादा बचा है तो आप उसी पेज पे रहेंगे और हेडिंग दे दीजिए दैट इज द डीम्ड इनकम हेडिंग दे दीजिए दैट इज द डीम्ड इनकम हेडिंग दे दीजिए डीम्ड इनकम डीम्ड इनकम डीम्ड इनकम का मतलब क्या है को जो आपको देख के लगेगा कि ये इनकम नहीं है देख के लगेगा कि ये इनकम नहीं है बट तो भी उसको इनकम मान लेंगे देख के आपको लगेगा करके ठीक है कि भैया ये इनकम नहीं है बट ये इनकम को भी हम इनकम मान लेंगे मतलब ये देख के आपको लगेगा करके ठीक है कि ये इनकम नहीं है बट तो भी इसको इनकम मान लेंगे ये क्या क्या हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूं इसमें सबसे पहली जो सेक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज द आप अभी लिखेगा नहीं मैं जब लिखने का बोलूंगा मैं लिखवा लूंगा हर चीज में लिखवा दूंगा टेंशन मत लो। सबसे पहली एक सेक्शन होती है दैट इज सेक्शन 68 करके और 68 जो बोलती है ना वो कैश क्रेडिट की बात करती है कैश क्रेडिट्स अब एक बात समझना ये कैश क्रेडिट्स क्या होता है मेरी तरफ देखो सब लोग कैश क्रेडिट्स क्या होता है कैश क्रेडिट मीनस अगर मान लो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ आपके बैंक में कोई पैसा हुआ, और आप से पूछा गया, भाई ये कहां से आया आपसे पूछेंगे ही ना इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स वाले ने पूछा कि ये कहां से आया है करके ठीक है तो आप है ना ऐसे बोल रहे हो पता नहीं कहां से आया करके ठीक है कहां से आया पता ही नहीं चल रहा कहां से आ रहा है अगर आप अपना कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो उनके सामने एकदम बंद होकर दिया आपने मुंह के मेरे को तो पता नहीं कहां से आया करके ठीक है कहां से आया मुझे पता नहीं तो अगर आपके बैंक में कोई पैसा आया और पूछा कि ये कहां से आया है करके ठीक है आप बता ही नहीं पा रहे हो आप अपने मुंह पे ताला लगा लिया या फिर आप कोई वाइयात सी बात कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो कुछ वाइयात सी बात कर रहे हो मतलब आप कुछ भी बता रहे हो आप जो बता रहे हो ना वो सेटिस्फेक्ट्री नहीं है आप कुछ भी बता रहे हो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके अकाउंट में एक करोड़ रुपया आ गया बैंक अकाउंट में जब एक करोड़ रुपया आया इनकम टैक्स वालों ने आपसे पूछा कि बाबू ये कहां से आया एक करोड़ रुपया तो या तो आप बता ही नहीं पा रहे हो अपने मुंह पे ताला लगा लिया मिन्स आप एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे हो कि कहां से आया या फिर जो आप एक्सप्लेन ऐसा कर रहे हो करके ठीक है जो एकदम वायत सी बात है वो बोल रहे है, क्या कर रहा है जो एक्सप्लेनेशन आपकी नहीं है एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आप ये बता रहे हो कि मेरे दिमाग में मेरे रात को सपने में भगवान जी आए थे और भगवान जी ने आके और मुझे बोला था भगवान जी ने आके मुझे बोला था कि बेटा मैं तुझे एक करोड़ रुपया भेजने वाला हूं तो शायद यह भगवान जी ने दिया है शायद जो है यह भगवान जी ने दिया है लॉ मेकर्स बोलते हैं नहीं अगर आप ऐसा करोगे या तो आप एक्सप्लेन करिए या एक्सप्लेन अगर आप नहीं कर पाते हो कैश क्रेडिट है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो करके ठीक है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो कैश क्रेडिट है ना आपके अकाउंट में ये भी माना जाएगा आपकी इनकम और ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी और मैं एक बात बताऊं ये इनकम मानी जाएगी और कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी पता है आपकी रूख आप जाएगी वो वाली टैक्स रेट है यहां पर आपकी रूह कांप आप जाएगी इन्होंने बोला कि इसमें इनकम टैक्स की रेट है। जितनी भी डीम्ड इनकम में अभी आपको पढ़ाऊंगा ना उसमें इनकम टैक्स की जो रेट है ना वो रेट कितनी है पता है सिक्सटी परसेंट की रेट है इनकम टैक्स में सिक्सटी परसेंट की टैक्स रेट सिक्सटी परसेंट की टैक्स रेट और बाबू उसके साथ साथ में आपको सरचार्ज भी लगेगा और सरचार्ज कितना परसेंट है पता है पच्चीस परसेंट सरचार्ज और बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन साठ परसेंट की टैक्स रेट साठ परसेंट की टैक्स रेट कैश क्रेडिट के केस में कैश क्रेडिट ये जितनी भी मैं आपको डीम्ड इनकम पढ़ाऊंगा डीम्ड इनकम के केस में करके ठीक है साठ परसेंट की टैक्स रेट करके सिक्सटी परसेंट की टैक्स रेट और सरचार्ज कितना पता है पच्चीस परसेंट का सरचार्ज चार परसेंट का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप कैलकुलेटर ले लीजिए करके और कैलकुलेटर में जोड़िए साठ परसेंट प्लस आपका पच्चीस परसेंट और प्लस आपका चार परसेंट तो कुल मिला के गवर्नमेंट कितना लेने वाली है पता सेवेंटी एट परसेंट लेने वाली है सेवेंटी एट परसेंट है वो सेवेंटी एट परसेंट गवर्नमेंट आपसे ले लेगी मीन सेवेंटी एट परसेंट की रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा एटी नाइन नहीं आएगा सेवेंटी एट परसेंट आएगा मतलब सिक्सटी परसेंट का ट्वेंटी फाइव परसेंट 60% आपका टैक्स रेट है उस पर तो ट्वेंटी रहेगा That is the 4%. मिला के सेवेंटी एट परसेंट आपको टैक्स लग जाएगा एक बात बताऊं हुआ, हुआ क्या पता है आपको एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं पहले यहां पर सिक्सटी नहीं हुआ करता था पहले 2016 से पहले 2016 से पहले यहां पे 30% परसेंट का टैक्स रेट था सिर्फ 30% परसेंट का टैक्स रेट था 2016 से पहले यहां पे सिर्फ 30% परसेंट का टैक्स रेट हुआ करता था अगर आप कभी इनकम टैक्स लॉ पुराना वाला कहीं मिल जाए तो आप देखोगे तो इस सेक्शन में जो टैक्स रेट हुआ करता था इसके लिए जो टैक्स लगता है वो एक सेक्शन में लगता है जिस सेक्शन का मैं यहां नंबर लिख रहा हूं एक सेक्शन होती है वन वन फाइव करके और उस सेक्शन में टैक्स लगता है और उस सेक्शन में जो टैक्स रेट है ना सिक्स परसेंट की जगह पहले है ना परसेंट हुआ करती थी और पहले तीस परसेंट करके ठीक है तो 30 होती थी तो लोगों ने क्या किया जब डीमोनिटाइजेशन हुआ जब नोटबंदी हुई तो जब नोटबंदी हुई ना तो लोगों ने क्या सोचा क्या करे नोटबंदी से कैसे बचे तो बोला एक काम करते हैं चुपचाप बैंक में पैसा जमा करा लेते हैं चुपचाप बैंक में पैसा जमा करा लेते हैं करके ठीक है चुपचाप हमें हम एक काम करते हैं बैंक में पैसा जमा करा लेते हैं और फिर पूछेंगे कहां से आया था बोले भगवान जी ने भेजा है कहां से आया था बोले भगवान जी ने भेजा है तो कितना टैक्स लगेगा तीस परसेंट ही तो लगेगा बाकी तो मजा आ जाएगा अपने को तीस परसेंट ही टैक्स लगेगा बाकी वाला पैसा मजा आ जाएगा अरुण जेटली जी ने बोला ना ना बाबा ऐसा कैसे मैं दूंगा करके ठीक है तो आपने वाली इन्होंने सेक्शन डाली 60, sorry, आपको टैक्स लगेगा साठ सरचार्ज लगेगा 25 परसेंट और 4 परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेवेंटी 78 परसेंट की रेट से आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपकी डीम्ड इनकम है तो डीम दिंकम मतलब सेक्शन 68 सबसे पहले मैंने बताई दैट इज रिलेटेड टू द कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट अगर है तो कैश क्रेडिट के केस में आपको बेटा 78% परसेंट की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा एक और चीज बता दूं मजे की एक और चीज बता दूं मजे की मजे की चीज बता दूं हर्षवर्धन तुम जा थोड़ी देर एक और चीज बता दूं मजे की जो सीए फाइनल e. में पढ़ेंगे इस 78 परसेंट पे बेटा 10 परसेंट आपको पेनल्टी और लगेगी ये जो 78 परसेंट है ना इस पे 10 परसेंट पेनल्टी और मारेंगे तो आप समझिए 78 परसेंट प्लस 10 परसेंट कर दीजिए तो आपका 85.8 परसेंट है ना वो गवर्नमेंट ले जाएगी मिस आपके पास सिर्फ फोर्टीन परसेंट बचेगा आपके पास सिर्फ 14.2 परसेंट है वो बचेगा क्योंकि 10 परसेंट पेनल्टी भी लगाते हैं जो कि हम सीए फाइनल में पढ़ेंगे ये इंटरमीडिएट में पेनल्टी वगैरह टॉपिक नहीं है ये सीए फाइनल में आते हैं कि इन केसेस में कितनी पेनल्टी लगाते हैं तो मैं फाइनल में पढ़ाऊंगा कि सेवेंटी पे आपको 10 पेनल्टी और मारी जाएगी ये सेवेंटी कैसे आया करके ठीक है तो सेवेंटी कैसे आया देखो सिक्सटी कैलकुलेटर में टैक्स रेट ले लो उसमें 25 परसेंट एड करो तो 25 परसेंट मतलब 15 परसेंट हुआ ना 60 परसेंट प्लस 25 परसेंट सिक्सटी परसेंट प्लस पच्चीस परसेंट और प्लस चार परसेंट इट्स विल कम टू द सेवेंटी एट परसेंट लेकिन सर एक बात बताइए ये कैश क्रेडिट होता क्या है कैश क्रेडिट किसको बोलेंगे करके ठीक है कैश क्रेडिट है वो कैश क्रेडिट बोलेंगे किसको किसको बोलेंगे कैश क्रेडिट तो चलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा बट मैं यहां पे सीधा जो आईसीआई का जो बुक है मटेरियल है उस पर मैं लेके जा रहा हूं बट मैं आपको इजी लैंग्वेज में सब चीजें लिखवा दूंगा आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए करके मैं आपको यहां पे लिखवा दूंगा आपके मटेरियल में इन ईजी लैंग्वेज करके ठीक है देखिए क्या लिखा हुआ है कैश क्रेडिट आ जाइए इधर सब लोग इधर जाइए सेवेंटी एट परसेंट आएगा ना यार सेवेंटी नाइन कैसे आएगा खजूर एक बात बता सेवेंटी नाइन परसेंट कैसे होगा पहले साठ परसेंट ले उसमें पच्चीस परसेंट एड कर सेवेंटी फाइव परसेंट हुआ और उसमें चार परसेंट एड कर चार परसेंट एड कर जेल भी होगी हाँ जेल फाइनल में पड़ेंगे जेल कितनी होती है क्या होती है वो फाइनल पर पड़ेंगे तो कैश क्रेडिट के क्या होता है करके ठीक है कैश क्रेडिट क्या होता है तो कैश क्रेडिट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं करके ठीक है तो देखिए मैं यहां पे बुक का रेफरेंस लिया है आपके मॉड्यूल का बट इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिखवा के दूंगा डोंट वरी ठीक है चलिए अब एक बात बताओ मुझे दस परसेंट से बचा के क्या करेंगे ऐसा ही है भैया आप कुछ गलत कर रहे हो तो ऐसा ही है देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे ना बड़ा मजेदार चीज है देखिए क्या लिखा है कैश क्रेडिट सेक्शन सिक्सटी सेक्शन 68 ये मैं आपको डीम्ड इनकम पढ़ा रहा हूं और डीम्ड इनकम के लिए आईसीआई ने बोला है दैट इज द अनडिस्कलोड सोर्स ऑफ इनकम बट इसको मैं बोलता हूं डीम्ड इनकम ये सब डीम्ड इनकम है इसको लगेगा डी इनकम नहीं है बट ये डीम्ड इनकम है चलिए अब एक बात समझते हैं आप इधर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है पहले इस वर्ड्स को पढ़ेंगे देखिए क्या लिखा हुआ है वेयर एनी सम एनी सम का मतलब होता है मनी अमाउंट अमाउंट बोल सकते हो वेयर एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एस मींस सी की बुक्स में अमाउंट क्रेडिट हुआ एसएससी की बुक्स है वो एसएससी की बुक्स में अमाउंट क्रेडिट हुआ करके ठीक है एंड द एसएससी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स मीन एसएससी जो है लिखा हुआ क्या वर्ड देखना वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एसएससी बुक्स ऑफ एसएससी एसएससी की बुक्स में क्रेडिट हुआ है मिस अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ है

इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको लगता है कि ये घुमा रहा है ये सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है करके ठीक है तो क्या होगा इनकम so माना जाएगा of the for that previous year. वो उस previous year की इनकम माना जाएगा जिस ईयर में आपको क्रेडिट हुआ तो कैश क्रेडिट किसको बोलेंगे कि करके ठीक है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई सम क्रेडिट हुआ है और आप एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे हो आप बोल रहे हो अब्बा जब्बा डब्बा एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे हो या फिर दे रहे हो वो सैटिसफैक्ट्री नहीं है योग को लगता है क्या कुछ भी वा याद बातें कर रहा है करके बोलता है भगवान जी आए थे और बोल के गए थे करके ठीक है भगवान जी आए थे बोल के गए थे और बोला था इसलिए ये पैसा क्रेडिट हुआ है करके बोला बाघ यहां से करके ठीक है ये तुम्हारी इनकम मानी जाएगी और मैं यहां देखो आगे जाके मैं आपको टैक्स रेट भी अभी बता देता हूं यहां पर दे रखा है कि ये जो इनकम होती है ना

एक अमेंडमेंट किया और वो अमेंडमेंट कैसा है समझने की कोशिश करना इधर देखना सब लोग इधर देख लो ठीक है इधर देखो जैसे एक बात समझते हैं इधर देखो एक बंदा है जिसका नाम है मान लो मैं यहां पे एक बंदा ये वाला ये बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी ये मैं हूं ठीक है इधर देखना ये मैं हूं मिस्टर बीबी और एक दूसरा बंदा है एक दूसरा बंदा है करके ठीक है एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है मान लो करण ये दूसरा बंदा है जिसका नाम है करण अब एक बात समझना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है हाँ समझना ध्यान देना ठीक है एक बंदा है जिसका नाम है, है बीबी और एक बंदा है जिसका नाम है करण समझना मैंने क्या किया इस अमाउंट से इस अमाउंट से इस अमाउंट से इस बंदे से सॉरी इस बंदे से कुछ अमाउंट मैंने लोन ले लिया बैंक से लिया है लोन लिया और लोन ले लिया मान लो एक करोड़ का और एक करोड़ का मैंने लोन ले लिया तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ होगा मैंने एंट्री क्या पास की होगी बीबी ने बीबी में एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट ऐसे ही होता है अकाउंट मेरे को तो आता ही नहीं है बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री क्या होगी मेरे अकाउंट में मैं लोन लूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर करंट आई थिंक ये एंट्री होगी और करंट पे जाएगा लोन एंड एडवांसेस में जाएगा ये जो है ये करंट करंट जो है वो कहां जाएगा लोन एंड एडवांस में अब एक बात समझता हुआ क्या पहले मेरे को पूछा गया मेरे को बुलाया इनकम टैक्स वालों ने बोला हाजिर हो ठीक है मैं गया हाजिर होने वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे पूछा कि एक बात बताओ ये एक करोड़ कहां से आया है आपके बुक्स में ये जो एक करोड़ है ये करोड़ कहां से आया है तो मैंने बोल दिया मैंने तो करंट से लिया है करके ठीक है मैंने तो करंट से लिया है करके ठीक है करंट से लिया मैं तो बोल दूंगा मैंने तो करंट से लिया है करके ठीक है अब एक बात बताओ मैं बोलूंगा मैं तो बोलूंगा ना मैंने करंट से लिया है करंट से लिया है अब एक बात बताऊं मेरी एक्सप्लेनेशन तो सेटिस्फैक्ट्री है ना मैं तो सही बोल रहा हूं कि मैंने ये पैसा करंट से लिया है करके ठीक है अब एक बात समझना थोड़े दिन के बाद उन्होंने करण को बुला लिया कि भाई आ इधर आ तू इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधरा करण को बुलाया करण को बुलाया करण को बुलाया कि सर एक बात बताओ करण को ये बुलाया करण को बुलाया और करण को पूछा कि तूने ये पैसा कहां से कमाया था एक करोड़ भाई एक करोड़ तूने मिस्टर बीबी को दिया है ये कहां से कमाया है अब करण बेचारा एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा है करण एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा है और करण का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री करण बोल रहा है पता नहीं कहां से कमाया था पता नहीं भगवान जी आए होंगे मेरे घर पे देखे चले गए होंगे वो पैसा मैंने बीबी को दे दिया तो भैया यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है करके ठीक है इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर करण का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना करंट का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो यह माना जाएगा कि बीबी का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है यह माना जाएगा कि बीबी का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और गाइस ये मेरे हाथ में इनकम बना लिया जाएगा ये मेरे हाथ में इनकम बना दिया जाएगा और ये वन करोड़ जो है इसको मेरे हाथ में डीम्ड इनकम बना दिया जाएगा और मेरे हाथ में सेवेंटी टैक्स ले लिया जाएगा आप बोलोगे सर ये कहां इनकम है ये तो लोन लिया है आपने करके ठीक है बट तो भी ये इनकम माना जाएगा आंसर इज यस ये मेरे हाथ में इनकम मान लिया जाएगा अरे मैं तो सही बता रहा हूं मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि मैंने करंट से लिया है बट करंट से ही नहीं बोल रहा ना करंट के मुंह में दही जमा हुआ है दही जमा हुआ इसके मुंह में ये सही नहीं बोल रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि मैं सही नहीं बोल रहा हूं और ये मेरे लिए इनकम बना दिया जाएगा और उसमें बेटा 78% परसेंट की रेट से टैक्स लग जाएगा आजकल आपको पता है लोग जो है वो डमी लोन बताते हैं किसी से लोन ले लेते हैं करके ठीक है और वो पर्सन जो है उसने कहां से पैसा कमाया उसने ड्रीम इलेवन से कमाया कहां से कमाया उसने का क्या करप्शन करके पैसा कमाया पता ही नहीं चलेगा करके ठीक है तो उस केस में इन्होंने इसी बारी अमेंडमेंट किया अभी फाइनेंस एक्ट 2022 से ताजा ताजा अमेंडमेंट किया और बोला अच्छा आपने अगर किसी से कोई भी लोन लिया या कोई भी बोरोइंग की या कोई भी सम लिया करके बट वो पर्सन अगर अपना एक्सप्लेनेशन सेटिसफैक्ट्री नहीं दे पा रहा है तो ये माना जाएगा कि आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और भैया आपके हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा यह आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो बंदे ने मुंह में दही जमा रखा है करण ने मुंह में दही जमा रखा है ये बता ही नहीं पा रहा है कि इसने वो पैसा कहां से कमाया था तो उस पर्टिकुलर केस में बीबी के हाथ में ये माना जाएगा कि बीबी की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और ये बीबी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा तो देखिए मैं यहां वापस आपको आईसीआई के मॉड्यूल पर लेके जाता हूं देखिए ये इसी साल से आया इसी साल से ताजा ताजा आया है और देखिए क्या लिखा हुआ है हाउएवर वाले पार्ट से मैं पढ़ा रहा हूं आपको हाउएवर वाला पार्ट है वहां से ध्यान देना हाउएवर से ठीक है हाउएवर यहां से ये यह हाउएवर यहां से ये यह हाउएवर ठीक है थीके? यहां से ध्यान देना करंट के हाथ में इनकम मानी जाएगी थोड़ी देर रुक जाइए थोड़ा थम जाइए करके ठीक है करंट के हाथ में जो है वो इनकम मानी जाएगी यानी वो अपन बाद में बात करेंगे पहले बीवी -बी की बात कर रहे हैं देखिए क्या लिखा हुआ है रीपेमेंट के टाइम पे क्या होगा कुछ भी नहीं होगा रीपेमेंट के टाइम पे कुछ भी नहीं होगा अगर आपने कोई पैसा लिया और भैया आप अगर उस बंदे का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और आपके हाथ में क्या मानी जाएगी वो इनकम मानी जाएगी रुकिए, एक मिनट रुकिए, देखिए क्या लिखा हुआ हाउएवर देखिए क्या लिखा हुआ है हाउएवर वाले पार्ट से ठीक है द आर सो क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ द लोन और बोरोइंग लिया है या बोरोइंग लिया है या एनी सच अमाउंट या कोई भी ऐसा अमाउंट है लोन बोराइंग जैसा लोन बोराइंग जैसा कोई भी ऐसा अमाउंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड किसी भी नाम से जाना जाए एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर बाय अस इन हुज बुक सच क्रेडिट शेल नॉट डीम टू बी सेटिस्फैक्टरी मींस ये माना जाएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कब ऐसा माना जाएगा अनलेस मीन्स कब ये माना जाएगा कि सेटिसफैक्टरी है करके ठीक है कब टिसफैक्ट्री है द पर्सन इन हुज नेम दैट इज इज करंट करंट सच सच क्रेडिट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ऑफर द एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ सच क्रेडिटेड एंड द एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर हैज बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री अगर करंट जो है वो करंट बताएगा कि मैंने ये पैसा कहां से कमाया था मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या था अगर उसने बताया सही सही तो तो दिक्कत नहीं है अदरवाइज ये माना जाएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और मेरे हाथ में ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी अब एक और चीज समझना एक और इंटरेस्टिंग सी पार्ट लगती है बात आती है वो आती है क्लोजली हेल्ड कंपनी की क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इधर देखिए लॉ मेकर्स ने एक और पॉइंट यहां डाला कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब आप अभी के लिए आप समझ लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है मान लो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड के किसी ने शेयर खरीदे मान लो शेयर खरीदे एक बंदे ने जिसका नाम है मिस्टर आशीष इसने इसके शेयर खरीदे अब शेयर खरीदे अब एक बात समझना जैसे मेरी कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड शेयर्स खरीदे अब हमको बोला कि ये पैसा कहां से आया था बोला शेयर्स खरीदे किसने बोले मिस्टर आशीष आशीष ने आशिश को बुलाया और आशीष को बुला के बोला कि आशीष बेटा एक बात बता ये पैसा कहां से लाया था तूने तूने इस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं दो करोड़ रुपए के ये पैसा कहां से लाया था आशीष बोलता है अब पता नहीं मेरे कहां से आया था पैसा आशीष बोलता है पता नहीं मेरा कहां से आया था पैसा करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में गाइज यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है ना बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड इसका माना जाएगा एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है और इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा तो अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी को कोई अमाउंट रिसीव होता है एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी या फिर कोई पर्सन शेयर खरीद रहा है उसका पैसा मिलता है और वो आगे वाला पर्सन जो है अपना सोर्स बता ही नहीं पा रहा है

जैसे मान लो करप्शन का है मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं उससे आप इजीली समझ पाएंगे जैसे एक बात बताओ मेरे पास में दस करोड़ रुपया कैश पड़ा है दस करोड़ रुपया क्या पड़ा है कैश अब मेरे को क्या करना है कि इसको पैसे को व्हाइट बनाना है तो व्हाइट बनाने के लिए मैं क्या करता हूं इस पैसे को मैं भेज देता हूं कहीं फॉरेन कंट्री यहां से हवाला से हवाला से पैसा जाता है आपने अगर सुना होगा तो करके ठीक है हवाला से पैसा जाता है तो मैंने इस दस करोड़ का हवाला करा दिया हलवा नहीं रे हवाला हवाला करा दिया और हवाला से ये पैसे को मैंने भेज दिया दुबई दुबई भेज दिया या मैंने सिंगापुर भेज दिया या फिर मैंने मॉरिसियस भेज दिया या फिर मैंने ऐसे बर्मुडा भेज दिया करके ठीक है ये सब है ना ये टैक्स हेवन कंट्रीज होती है टैक्स हेवन कंट्रीज का मतलब जहां टैक्स लगता ही नहीं या बहुत कम टैक्स लगता है उसको बोला जाता है टैक्स हेवन कंट्री आपने सुना होगा टैक्स हेवन कंट्री टैक्स हेवन कंट्री का मतलब ऐसी कंट्री जहां टैक्स टैक्स नहीं नहीं लगता लगता है 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 या बहुत कम रेट से लगता है। जैसे दुबई दुबई में में उसके बाद सिंगापुर है सिंगापुर में बहुत कम रेट से लगता है, में है बर्मुडा में टैक्स नहीं है में टैक्स नहीं है करके ठीक है अब एक बात समझता हो, होता है हवाला का मतलब होता है कि यहां से पैसा बाहर भेजना अब आप बोलोगे कैसे भेजते होंगे बाहर करके ठीक है हवाला जो है वो हवाला से पैसा कैसे बाहर भेजते हैं जैसे यहां पर कोई जैसे फॉर एन एक्साम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इधर देखिए मेरी तरफ हवाला से पैसे बाहर कैसे भेजते हैं मेरे पास दस करोड़ है मुंबई में मुझे यह पैसा चाहिए कहां पे दुबई में मान लो मुझे यह पैसा चाहिए दुबई में अब मैंने क्या किया मुंबई में कोई एजेंट है जो उनका हवाला का रैकेट चलता है हवाला का रैकेट आपने आंगड़िया वगैरह नाम सुना होगा ना आंगड़िया करके ठीक है तो आंगड़िया कुल मिला के हवाला का ही छोटा रूप है हवाला का ही छोटा रूप है दैट इज द आंगड़िया स्विट्जरलैंड में भी टैक्स कम लगता है स्विट्जरलैंड ऑल्सो टैक्स सेवन कंट्री स्विट्जरलैंड में भी टैक्स कम लगता है अब एक चीज समझता तो मैं क्या करूंगा मुंबई में एक आंगड़िया लगाऊंगा वो मुंबई वाला मुझे एक दस रुपए का नोट का फोटो देगा दो सौ रुपए का जो नोट है वो नोट का नोट में नोट जो है वो नोट जो है वो नोट का मुझे फोटो देगा ठीक है कौन सा ये वाला बंदा और मैं जो नोट का फोटो लूंगा मेरे दुबई वाले बंदे से मेरे दुबई वाले बंदे से मैं क्या करूंगा दस रुपए के नोट दस रुपया कोई भी नोट मान लो दुबई में जो बंदा है उसके पास एक्चुअल नोट है उसने मुझे फोटो दे दिया अब वो फोटो दे दिया मैं यहां पे दस करोड़ का हवाला लगाऊंगा कहां से बॉम्बे से और बॉम्बे वाले को मैं बोलूंगा ये नोट जो बंदा आपको देगा उसको पैसा दे देना दुबई में ये नोट है ये नोट का नंबर है ये नोट जब आपको कोई एक्चुअल देगा उसको आप पैसा दे देना तो ये करेंगे ये यहां पे दस करोड़ मेरे से लेंगे उनकी दुबई में भी ब्रांच है दुबई में ये लोग क्या करेंगे कि कैश में मेरे बंदे को दुबई की करेंसी में वहां दस करोड़ मिल जाएगा दुबई में वो नोट जाके देगा दस करोड़ में और ये लोग इसके लिए चार्जेस लेते हैं दिस इज कॉल्ड हवाला या आपने जो सुना होगा करके ठीक है इसको हवाला बोलते हैं आपने सुना होगा आंगड़िया आंगड़िया एक छोटा रूप है हवाला बहुत बड़ा होता है ये बड़े बड़े रैकेट चलते हैं हवाला के आपको जितने पैसे वर्ल्ड में जहां चाहिए वहां मिल जाते हैं तो मैं क्या करता हूं पता है दस करोड़ मैंने दुबई भेज दिया अब दुबई में मान लो एक बंदे का मैंने अकाउंट खोला जिसका नाम है फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी है वहां पर मैंने कंपनी बना ली करके ठीक है वहां पे मैंने एक कंपनी बना दी ली दे हबीबी करके कहा दुबई में या हबीबी करके कोई बंदा है उसके नाम से फिर मैंने वही वाला पैसा बैंकिंग चैनल से इंडिया में ला लिया और मेरी कंपनी के शेयर खरीदवा लिए मेरी जो कंपनी है बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड उसके शेयर्स खरीदवा लिए उस पैसे से दस करोड़ से अब एक बात समझो ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ऐसा होता है करके ठीक है लिस्टेड कंपनियों में ऐसा नहीं होता ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में होता है तो 10 करोड़ के शेयर खरीद लिए किसने करके एक हबीबी करके है उसने खरीदे अब एक बात समझना अगर जो हबीबी है उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है उसने दस करोड़ कहां से लाया है क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन तो सेटिस्फेक्ट्री होगा ही नहीं कि उसने कहां से उसने जो है उसने कहां से वो पैसा कमाया है उसका तो explanation satisfactory गई नहीं, क्योंकि हबीबी ने तो कमाया नहीं, वो तो मैंने उसको ले जाके दिया था तो अगर उसका एक्सप्लेनेशन हबीबी का सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो यह माना जाएगा कि इस बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड का सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और वो हमारे हाथ में इनकम मान ली जाएगी वो हमारे हाथ में इनकम मान ली जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया एक बार मैं क्विकली रिवाइज कराता हूं आज मैं बता रहा हूं आपको डीम्ड इनकम के बारे में कि कुछ ऐसी है चीजें हैं जो आपको लगेगा ये इनकम नहीं है बट ये डीमड इनकम मानी जाती है और इस पर टैक्स लगता है सेवेंटी एट परसेंट की रेट से सबसे पहला कैश क्रेडिट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई क्रेडिट हुआ कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो या आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फेक्ट्री नहीं है एओ के सामने असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में भैया जो अमाउंट क्या, दूसरा दूसरा क्या है किसी भी पर्सन से आपने लोन लिया किसी भी पर्सन से आपने लोन लिया या बोरोइंग किया या कोई भी सम मिला और वो पर्सन है ना उसका सोर्स नहीं बता पा रहा है कि वो इनकम कहां से लाया था वो पर्सन उसका सोर्स नहीं बता पा रहा तो उस पर्टिकुलर केस में वो अपना सोर्स नहीं बता पा रहा ना तो उस पर्टिकुलर केस में भैया ये माना जाएगा कि हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है है करके ठीक और वो मेरे हाथ में इनकम मान लिया जाएगा तीसरा अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसको शेयर कैपिटल का पैसा मिलता है या शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलता है और जिस पर्सन ने पैसा दिया है उसका सोर्स पता नहीं चल रहा कि उसने पैसा कहां से कमाया था उसका सोर्स अगर पता नहीं चल रहा करके क्या उसने पैसा कहां से कमाया था तो उस पर्टिकुलर केस में ये हमारी जो इनकम है कंपनी की इनकम मान ली जाएगी अब किसी ने बोला कि सर हबीबी को जाके हमारा एओ पूछ सकता है आंसर इज यस पूछ सकता है हमारे एओ के पास बहुत पावर है करके ठीक है बहुत पावर है और बहुत बार फॉरन कंट्री के साथ हमारे अग्रीमेंट होते हैं और अग्रीमेंट होते हैं जिसको डी डबल बोला जाता है डबल टैक्सेशन अवॉर्ड अग्रीमेंट जिसको टैक्स ट्रीटी बोलते हैं करके ठीक है और वो ट्रीटी में हमारे पास ये पावर होता है कि हम फॉरन में जाके भी किसी से भी पूछ पूछतास कर सकते हैं है वो कर सकते हैं या हम उनको बोलेंगे वो पूछताछ करके और हमको डिटेल लाके देंगे करके ठीक है चलिए अब एक काम करिए दस मिनट का ब्रेक लीजिए दस मिनट के बाद इसके बारे में हम लिखते हैं करके सर आपने कभी हवाला रियल लाइफ में फेस किया आंसर इज यस कि हवाला तो नॉर्मल चीज है यार बहुत सारी जगह आप आप अपने पापा से पूछोगे कि पापा आंगड़िया क्या होता है या हवाला क्या होता है वो आपको बता देंगे करके ठीक है क्या आंगड़िया क्या होता है आंगड़िया सीधी सी बात है आपके पास पैसा जयपुर में है आपको हाथों हाथ मुंबई में चाहिए एक मिनट में आप उधर पैसा लगाइए इधर से आप पैसा ले लीजिए करके ठीक है उधर पैसा लगाइए इधर से आप पैसा ले क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब आसना होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दस मिनट का ब्रेक लीजिए करके और दस मिनट के ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं पीपल डन विथ आप लोगों का ब्रेक हो गया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चलिए चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अब आप लिखेंगे थोड़ा शॉर्ट में अपन जो जो अपन ने पढ़ा उसको अपन लिखेंगे तो लिखिए सेक्शन 68 सबसे पहले अब आशुतोष बोल रहा है कि सर अगर मान लो अपन ने गुड फेथ में लोन लिया था और आगे वाला पर्सन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है नॉर्मली फिर इसमें देखा जाता है फिर आप उसको लेके अपील कर सकते हो अपने यहाँ पे जब ऐसा कुछ होता है कुछ भी गलत होता है, करके है? तो क्या होता है और कंपनी में पैसा लगाया से पैसा जो है यह एक एक यहां पे लॉ जब देखोगे तो लॉ में होगा रेजिडेंट पर्सन से पैसा मिलता है तो मीन कंपनी के भी लिखवाता हूं लिखवाता हूं तो आपको सब समझ आएगा डोंट वरी सब समझ जाएगा नोट वरी यस तलवार मनन रुक जाइए लिखिए आप लिखिए पहले ठीक है लिखिए देखो जहां जहां असेसिंग ऑफिसर में लिखवाता हूं ना एओ को आप एक जगह चाहिए तो पूरा लिख लेना अदरवाइज आप एओ लिख लेंगे तो भी चलेगा एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर और इसके पास में चाहे तो आप लिख सकते हैं आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर तो असेसिंग ऑफिसर का मतलब होता है इनकम टैक्स ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर का मतलब होता है इनकम ऑफिसर आप इतना समझिए, ठीक है, सब अब लिखिए. अब सबसे पहले लिखिए सेक्शन सिक्सटी एट और सिक्सटी एट में लिखिए कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट लिखिए इसमें लिखिए जैसा मैं लिखवा तो मैं एक बार ही बोलूंगा मिस्टेक मत करना और ऐसा अगर बोला ना किसी ने कि सर नहीं लिखना रह गया मेरा करके ठीक है तो मैं फिर है ना वापस से मतलब सुना दूंगा ठीक है तो फिर मैं जेरोक्स कॉपी तो भेजूंगा मतलब किसी कोई ना कोई भेजेगा बुक का जेरोक्स बट मतलब वेट वो क्या बोलते हैं चूक ना मत लिख लेना करके ठीक है लिखिए लिखिए बिकॉज मैं फिर मैं बहुत बार चीजें ऐसी है जो मैं मेरे मन से लिखवाता हूं अब आप बोलोगे रिपीट करो मैं ही भूल गया होता हूं क्या लिखवाया लास्ट लाइन में करके ठीक है तो मैं जो लिखवाता हूं वो मन से लिखवाता हूं ठीक है एज इट इज ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है जो मैं लिखवा दू तो मैं मन से लिखवाता हूं इसके लिए लिखिए लिखिए वेयर एनी सम वेयर एनी सम वेयर एनी सम सम की जगह आप लिख सकते हैं अमाउंट वेयर एनी अमाउंट where any amount any amount yes sum credited in the books of accounts credited in the books where any sum where, where any amount credited in the books books of accounts of assessy Books of accounts of assessee and assessee and assessee and assessee SSC not able to not able to assessee not able to explain source explain source ssc not able to explain source explain source and nature of such amount source and nature of such amount or or explanation not satisfactory or explanation not satisfactory. Explanation not satisfactory. Explanation not satisfactory. In the opinion of AO, in the opinion of AO, in the opinion of AO, then, then, then.

डीम्ड इनकम ऑफ एस अब एक काम करिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए इफ एस टेक्स एनी लोन इफ एस टेक्स एनी लोन कॉमा बोरोइंग इफ एसएससी टेक एनी लोन कॉमा बोरोइंग फ्रॉम एनी पर्सन इफ एस टेक्स एनी लोन comma borrowing from any person any person and and if explanation and if explanation and if explanation explanation about source about source and nature about source अबाउट सोर्स एंड नेचर एक्सप्लेनेशन अबाउट सोर्स एंड नेचर इज नॉट सेफैक्टरी इज नॉट सेटिसफैक्टरी इज नॉट सेटिसफैक्टरी ऑफ दैट पर्सन ऑफ दैट पर्सन नॉट सेटिस ऑफ दैट पर्सन दैट पर्सन मीन्स लोन जिसने दिया है गिवर आप रैकेट में लिख सकते गिवर not satisfactory of that person then then such loan then such loan treated as such loan treated as such loan treated as deemed income in hands of assessee such loan treated as deemed income in hands of assessee इन हैंड्स ऑफ एस एससी नीचे लिख लीजिए एक एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिए एक एग्जाम्पल लिखिए मिस्टर बीबी टुक अ लोन ऑफ रुपीज वन करोड़ मिस्टर बीबी टुक अ लोन ऑफ रुपीज वन करोड़ फ्रॉम मिस्टर करण फ्रॉम मिस्टर करण Mr. bb took a loan of rupees one crore from Mr. Current, and if and if current explanation and if current explanation is not satisfactory, and if current explanation current's explanation is not satisfactory not satisfactory about source and nature of such amount about source and nature of such amount then about source and nature of such amount then then it is assumed that then it is assumed that bb's explanation बीबी बीबी देन मिस्टर बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिसफैक्टरी मिस्टर बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एंड इट इज ट्रीटेड एज इनकम इन हैंड्स ऑफ बीबी एंड इट इज ट्रीटेड एज इनकम इन हैंड्स ऑफ बीबी इन हैंड्स ऑफ बीबी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप मतलब आप डैश करके लिखा वो तो जो पहला वाला अगर आपने डैश करके लिखा या वन करके लिखा जो आपने लिखा सेक्शन 68 पहले ये लिखा था फिर वो मैंने आपको एक लोन वाला लिखवाया अब एक और लिखिए लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं लिखिए इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी इफ एनी इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी के ब्रैकेट में आप लिख लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी के ब्रैकेट में लिख लीजिए प्राइवेट लिमिटेड इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव एनी अमाउंट रिसीव एनी अमाउंट इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव एनी अमाउंट रिसीव एनी अमाउंट रिसीव एनी अमाउंट towards share application towards share application towards share application comma share capital share capital comma share premium share premium share premium from any resident person from any resident person from any resident person, from any resident person, and if and if such shareholder explanation, and if such shareholder explanation, such shareholder explanation, such shareholder explanation is not satisfactory such shareholder explanation is not satisfactory not satisfactory about source and nature about source and nature then 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 it is assumed that then it is assumed that Company's explanation, then it is assumed that company's explanation is not satisfactory. Company's explanation is not satisfactory and it is treated as deemed income. And it is treated as deemed income. And it is treated as deemed income. As deemed income. Example likya. एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिख लीजिए बीबी प्राइवेट लिमिटेड बीबी प्राइवेट लिमिटेड ई शुड बीबी प्राइवेट लिमिटेड ई शुड शेयर्स टू मिस्टर आदित्य बीबी प्राइवेट लिमिटेड ई शुड शेयर्स टू मिस्टर आदित्य ऑपरूप टू करोड़ ऑफ रुपेज टू करोड़ ऑफ रुपेज टू करोड़ बीबी प्राइवेट लिमिटेड ई शुड शेयर ऑफ रुपेज टू करोड़ टू मिस्टर आदित्य आदित्य टू रूपीज ऑफ रूपीज टू करोड़ फुल स्टॉप इन दिस केस इफ आदित्य एक्सप्लेनेशन इन दिस केस इफ आदित्य एक्सप्लेनेशन इफ आदित्य एक्सप्लेनेशन is not satisfactory about source in this case if aditya's explanation is not satisfactory about source about source and nature source and nature then then it is treated as income of then it is treated as income of BB Private Limited, then it is treated as income of BB Private Limited. Then it is treated as income of BB Private Limited. चलिए सो दिस वॉज सेक्शन 68 जो अपन ने कैश क्रेडिट की बात की कि अगर आपके पास में कोई ऐसा क्रेडिट हो जाता है और उसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी अब आपका क्वेश्चन यहां पे ये आता है

अगर जैसे ये कंपनी वाला एग्जांपल है तो कंपनी के केस में उस पर्सन जो शेयर होल्डर है आदित्य आदित्य के हाथ में अगर वो अब बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, कहां से आया पैसा करके ठीक है, है तो जब वो ऐसा बोल रहा है ना तो उसके हाथ में तो इनकम बनेगा बनेगा वो मेरे हाथ में भी इनकम बनेगा मिस उसके हाथ में भी इनकम बनेगा मेरे हाथ में भी इनकम बनेगा आंसर इज यस दोनों के हाथ में इनकम बनेगा दोनों के हाथ में टैक्स लगा सकते हैं दोनों के हाथ में इनकम बनेगा दोनों के हाथ में टैक्स लगा सकते हैं दोनों का इनकम बनेगा उसका भी इनकम बनेगा और मेरा भी इनकम बनेगा दोनों के हाथ में इनकम बनेगा करके ठीक है चलिए अब अपन एक एक काम करते सेक्शन सेक्शन है दैट इज द करके लिखिए सेक्शन डबल डबल टैक्स टैक्स है section, हाँ, है यस yes, करके ठीक है चलिए बट बहुत बार क्या होता है ना वो इंसॉलमेंट हो जाता है ऐसे बहुत बार होता है कि भाई उसने मान लो पांच करोड़ कंपनी को दिए शेयर खरीदे वो इंसॉलमेंट हो गया तो फिर कंपनी को ही पकड़ेंगे और कंपनी से टैक्स लेंगे करके ठीक है चलिए दोनों के हाथ में आएगा यस कैश क्रेडिट की लिमिट क्या है अब देखो ये बड़े अमाउंट होते तो लगते हैं ऐसे छोटे छोटे आपके अकाउंट में किसी ने पंद्रह रुपए का गूगल पे कर दिया और आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो तो क्या आप पे लग जाएगा करके ठीक है इसमें नॉर्मली नहीं होता जब बड़े केसेस होते हैं वहां असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एक्सप्लेनेशन सेटिसफेक्ट्री नहीं है वगैरह तब लगता है चलिए अब एक बात समझना अब इधर ध्यान देना प्लीज एक सेक्शन है इसके बाद में सेक्शन सिक्सटी और सेक्शन सिक्सटी हेडिंग दे दीजिए अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट हेडिंग अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया

मैं क्या बोल रहा हूं अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट सेक्शन ये क्या बोलती है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट उनको पता चल गया और आपने ये नहीं बता पा रहे हो कि ये इन्वेस्टमेंट कहां से पैसा लाके किया था आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे हो कि उसका सोर्स क्या था उस पैसे का सोर्स क्या था कहां से लाया था ये इन्वेस्टमेंट करके ठीक है ये कहां से बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है और आप बता नहीं पा रहे हो कि इसका सोर्स एंड नेचर क्या था इस इन्वेस्टमेंट का तो उस केस में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं मैंने क्या किया पता है मेरा एक घर बनाया मैंने घर बनाया तो घर बनाना एक इन्वेस्टमेंट है आंसर इज यस घर बनाना एक इन्वेस्टमेंट है मैंने घर बनाया अब मैंने उसमें कैश का पैसा खपाया अब जब मैंने घर बनाया और कैश का पैसा है तो ये इन्वेस्टमेंट है करके ठीक है अब उन्होंने मुझे बोला कि बीबी ये जो घर बनाया है तुमने एक तो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया ये घर जो बनाया पैसा कहां से लाया था पैसा जो है वो पैसा कहां से लाया था मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहा हूं या मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी ना वो मेरी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और मुझे सेवेंटी टैक्स लग जाएगा वो मेरी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और वो मेरे को 78 परसेंट है वो टैक्स लग जाएगा तो सेक्शन 68 क्या था कैश क्रेडिट था 69 जो है दैट इज द अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया करके ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया और फिर उसका पूछा गया कि इसका सोर्स क्या है इसका नेचर क्या था कहां से लाया था ये पैसा आप बता ही नहीं पा रहे हो तो उस केस में वो आपकी क्या मानी जाएगी इनकम मानी जाएगी सब जगह ये जितनी भी सेक्शन में पढ़ा रहा हूं यहां टैक्स रेट 78 परसेंट है मैं लास्ट में ये लिखवा दूंगा एक लाइन में कि इन ऑल अबो डीम्ड इनकम टैक्स रेट इज सेवेंटी करके ठीक है देखिए आईसीआई ने मॉड्यूल में क्या दे रखा है तो आईसीआई के मॉड्यूल पर चलते हैं अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट करके ठीक है देखिए क्या लिखा हुआ है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर का मतलब इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर तो मिला के मैं ये बोलूंगा द प्रीवियस ईयर क्या वियर इन द फाइनेशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर कुल मिला के प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं दस एससीज मेड द इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अगर वो रिकॉर्ड करता है तो रिकॉर्ड करता है तो तो फिर उसको बताना पड़ेगा ना पैसा कौन सा वाला यूज किया है डबल एंट्री सिस्टम होता है अगर आपने घर बताया तो बैंक भी तो बताना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम होता है भैया रिकॉर्ड करते हो तो तो बताना पड़ेगा बैंक से पैसा गया है आप कैश में पैसा डालते हो तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हो तो देखिए क्या लिखा इन अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर मींस प्रीवियस ईयर इधर ध्यान दे इधर ध्यान दे द दस हैज मेड द इन्वेस्टमेंट एस ने इन्वेस्टमेंट किया है विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द एस एससी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मीन्स एस एससी की एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहा है द एक्सप्लेनेशन ऑफर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर टेक्स इज डी इनकम ऑफ फॉर सच फाइनेंशियल के लिए वो आपकी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर आपने इन्वेस्टमेंट किया जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया उसका सोर्स आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो उसका इनकम का नेचर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा लिखो लिखो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट सेक्शन सिक्सटी नाइन डैश करके लिखिए लिखिए डैश करके लिखिए इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर असेसी मेड इन्वेस्टमेंट असेसी मेड इन्वेस्टमेंट इन एनी प्रीवियस ईयर असेसी मेड इन्वेस्टमेंट इन एनी प्रीवियस ईयर असेसी मेड इन्वेस्टमेंट Which are not recorded in books of accounts, which are not recorded in books of account, which are not recorded in books of accounts, which are not recorded in books of account, and assesses explanation, and assesses explanation, and assesses explanation is not satisfactory. As's explanation is not satisfactory. A explanation is not satisfactory about source and nature, about source and nature, about source and nature then then then, it is treated as deemed income of SSC. Then it is treated as deemed income of SSC. Then it is treated as deemed income of SSC. Then it is treated as deemed income of SSC. Then it is treated as deemed income of SSC. चलिए अब एक और चीज समझना एक कॉन्सेप्ट आता है सिक्सटी नाइन ए करके सेक्शन तो ये सिक्सटी नाइन थी अब एक सिक्सटी नाइन ए है वो क्या बोलती है अनएक्सप्लेन मनी एक बात समझिए जैसे आपके घर पे है ना जैसे ही आए इनकम टैक्स वाले उनको घर पे नोट मिल गए उनको घर पे नोट मिल गए ऐसा हो सकता है ना आपके घर पे आए और घर पे आते ही मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग आपके घर पे आए इनकम टैक्स वाले मेहमान जैसे इनकम टैक्स रेड वगैरह होती है तब तो की बात कर रहा हूं अगर मान लो आपके घर पे आए इनकम टैक्स वाले और पता चला कि वहां पे कैश मिला है आपके घर पे ऐसे एकदम सब जो क्या बोलते हैं आपके पिंक कलर के नोट मिल गए आपको पता है वो आजकल सजा के रखते हैं पिंक कलर के नोट तो घर पे आए और उनको नोट मिल गए या तो पैसा मिल गया ज्वेलरी मिल गया बुलियन मिल गया करके ठीक है या कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज मिल गई आपसे पूछा ये कहां से लाइये आपसे पूछा आपने उसको बुक्स में तो रखा ही नहीं है बुक्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है आपसे पूछा ये कहां से लाया है आप बता ही नहीं पा रहे बोला कहां से आया करके ठीक है या फिर आप बता पा रहे हो कुछ भी घुमा रहे हो आप कुछ भी घुमा रहे हो सैटिस्फैक्ट्री नहीं है करके ठीक है तो जो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा पता है कि वो क्या करेगा एज इट इज उसको आपकी इनकम बना लेगा और सेवेंटी एट परसेंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा सेवेंटी एट परसेंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा मीन्स या अनएक्सप्लेन मनी मनी है या कोई भी ज्वेलरी है या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स है आपके पास मिल जाता है आपके पास मिल जाता है पता चलता है आप उसके ओनर हो करके ठीक है बुलियन भी मिल जाता है यस बुलियन बुलियन का मतलब होता है बुलियन का मतलब होता है बिस्किट गोल्ड बिस्किट जिसको बुलियन बोलते हैं तो बुलियन ज्वेलरी या एनी अदर वैल्यू बुलियन का मतलब होता है गोल्ड बिस्किट आपने सुना होगा ना बुलियन मार्केट बुलियन मार्केट मतलब जो गोल्ड बिस्किट जो रॉ गोल्ड होता है ना बिस्किट होती है ना जिसको क्या बोलते हैं कैडबरी कैडबरी जो बोलते हैं करके ठीक है दैट बिस्किट इज कॉल्ड बुलियन तो अगर मान लो आपके पास में क्या हुआ कैश मिल गया या आपके पास में क्या हुआ कोई मनी मिल गई और आपसे पूछा गया कहां से लाया था आप बता ही नहीं पा रहे हो करके ठीक है आप बता ही नहीं पा रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि वो आपकी इनकम मान ली जाएगी उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू एज इट इज आपकी इनकम बनेगी और इस पे आपको टैक्सेबल होगा सब जगह सेवेंटी एट परसेंट जो भी मैं आपको अनएक्सप्लेन इनकम बता रहा हूं ना यह सब सेवेंटी एट परसेंट से टैक्सेबल होगा सिक्सटी परसेंट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट सेवेंटी एट परसेंट करके ठीक है चलिए आप लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं नेक्स्ट सेक्शन लिखिए सेक्शन सिक्सटी नाइन ए पारलेजी बिस्किट नहीं रे गोल्ड बिस्किट करके ठीक है बुलियन किसको बोलते हैं अब इनको बुलियन भी बताना पड़ेगा करके ठीक है तो आपको मैं बताऊं बुलियन बुलियन लो बुलियन का फोटो ये देखो अब दिख रहा है बुलियन हाँ अब दिख रहा है बुलियन करके ठीक है दिस इज कॉल्ड बुलियन तो बुलियन का मतलब गोल्ड की बिस्किट्स जो होती है करके ठीक है उसको नॉर्मली बुलियन बोला जाता है करके बोलता है पार्ले जी भगवान पार्ले जी गोल्ड की बात नहीं हो रही है ठीक है चलिए उसके बाद लिखिए सेक्शन सिक्सटी नाइन ए करके लिखिए अनएक्सप्लेन अनएक्सप्लेन मनी मनी स्लैश ज्वेलरी स्लैश एक्टर एटसेट्रा लिखिए अनएक्सप्लेन मनी स्लैश ज्वेलरी स्लैश बुलियन एटसेट्रा एटसेट्रा और डैश करके लिखिए लिखिए इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर कॉमा द असेसी द असेसी इज इन एनी प्रीवियस ईयर comma the assessee is found to be owner in any previous year the assessee is found to be owner assessee is found to be owner of any money found to be owner of any money any money comma jewelry comma jewelry comma boolean B-U-L-L-I-U-N, boolean comma boolean etc etc and same and same is not recorded in books of account and same is not recorded in books of account and same is not recorded in books of account same is not recorded in books of accounts and assessee explanation and assessee's explanation and assessee's explanation and assessee's explanation is not satisfactory and assesses explanation is not satisfactory these explanation is not satisfactory. about source and nature about source and nature then then value of such a set, then value of such a set then value of such a set, such a set shall be treated as shall be treated as, वैल्यू ऑफ सच असेट सेट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम ऑफ अस एसी शैल बी ट्रीटेड एस डीम्ड इनकम ऑफ अस एसी डीम्ड इनकम ऑफ एसेस्सी अब एक बात समझना कोई यहां पे ऐसे कंफ्यूज हो सकता है कि सर ये अनएक्सप्लेन मनी इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकता है नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में कौन सा पकड़ते हैं पता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया जैसे कहीं शेयर खरीदे थे किसी के और वो मिल गए या प्रॉपर्टी बनाई हाउस प्रॉपर्टी बनाई और वो मिल गई करके ठीक है तो वो इन्वेस्टमेंट देखा जाता है बट बाकी आपके घर पर अगर रेड वगैरह हुई और वहां पर जो पैसा मिला ज्वेलरी मिला

कि आपने इन्वेस्टमेंट है वो फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस पार्टली रिकॉर्ड किया जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले आप हेडिंग लिख लीजिए चाहिए तो लिखिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या असेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये हेडिंग लिख लीजिए देखिए क्या लिखा मैंने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और असेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ये क्या होता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और असेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इसका मतलब क्या होता है अब आप इधर ध्यान दीजिए मैं एक मिनट में बता दूंगा आपको इजीली समझ आएगा ये क्या है मतलब आपने रिकॉर्ड तो किया क्योंकि ऊपर वाले दोनों दो पॉइंट में क्या था कि भाई अनएक्सप्लेन मनी ज्वेलरी बुलियन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया इन्वेस्टमेंट क्या था आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो वो आपकी इनकम बनता था अब यहां पे क्या है रिकॉर्ड तो किया है बट आपने फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया रिकॉर्ड तो किया है बट आपने फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया आपने फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया ऐसा कैसे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप बताओ इधर देखो इधर देखो इधर देखो क्या हुआ कि मैंने गोल्ड खरीदा गोल्ड गोल्ड और मैंने गोल्ड खरीदा फॉर एन एग्जांपल एक किलो एक बात बताऊं एक किलो गोल्ड की कीमत क्या होगी आप एक बार अज्यूम करके बता सकते हो मुझे आप मुझे बता सकते हो एक किलो गोल्ड की कीमत क्या होगी एक किलो गोल्ड की कीमत क्या होगी एक किलो गोल्ड की कीमत क्या होगी आप कोई मुझे बता सकता है हुँ? किलो गोल्ड की कीमत क्या होगी मार्केट में आज की डेट में मार्केट में मार्केट कीमत क्या होगी भैसाबीना बात पूछ ये ना करके ठीक है एक किलो गोल्ड की आज मार्केट में प्राइस रहेगी अप्रोक्स करके मैं अप्रोक्स ले रहा हूं ठीक है ऊपर नीचे हो सकता है अप्रोक्स जो है वो एक किलो गोल्ड की प्राइस है वो है पचास लाख पचास लाख रुपया लगता है एक किलो गोल्ड का करके ठीक है एक किलो गोल्ड का नियर बाय पचास लाख रुपया है वो लगता है अब एक बात समझना हुआ क्या एक है जैसे मैं मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा और मैं बोलता हूं कि मैंने ये एक किलो गोल्ड है वो बीस लाख में खरीदा मीन्स मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया बट कैसे रिकॉर्ड किया पता है बुक्स में मैंने कैसे रिकॉर्ड किया बुक्स में मैंने कैसे रिकॉर्ड किया बुक्स में मैंने बोला कि मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा है बीस लाख में अब भैया बाबू एक बात बताओ एक किलो गोल्ड में बीस लाख में कैसे ही खरीद सकता हूं तो मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा है बीस लाख में करके ठीक है बीस लाख में मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा है एक बात बताओ तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने अल्टीमेटली मैं यह बता रहा हूं कि मैंने एक किलो गोल्ड बीस लाख में खरीदा है ने पूछा कैसे खरीदा है बोला बोले बस ऐसे ही खरीद लिया बोले भाग सारे क्या हुआ तूने मुझे पता है कैश में पेमेंट किया है उसको पता चलेगा वो क्या बोलेगा मुझे पता है तूने कैश में पेमेंट किया बाकी वाला जो है वो तूने कैश में पेमेंट किया होगा कैश वाला पैसा जुटाया होगा और उसमें डाला होगा तो भैया यहां पे देखो रिकॉर्डेड है मैं क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक किलो गोल्ड बीस लाख में खरीदा है बुक से बीस लाख गया है चेक से मेरा जो है वो चेक से बीस लाख गया है कोई बोल रहा है तीस लाख का डिस्काउंट दिया अरे डिस्काउंट कैसे देगा तीस लाख का को कोई कोई करके लाख का डिस्काउंट दे देगा डिस्काउंट थोड़ा बहुत हो सकता है करके ठीक है थोड़ा बहुत हो सकता है तीस लाख का डिस्काउंट थोड़ी होगा करके ठीक है तो यहां पर क्या बोलते हैं बताए कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या असेट है जो आपने फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में आपने फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में भैया इसका जो डिफरेंस है ना ये डिफरेंस जो लाख रुपया है वो लाख है वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी वो तीस लाख रुपया है वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी मीन्स आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया या कोई आपके पास मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह मिल गया और भैया आपने बुक्स में पार्टली रिकॉर्ड कर रखा है पार्टली आपने बुक्स में रिकॉर्ड तो किया है मैं बोलता हूं मैंने किलो गोल्ड खरीदा है बट बीस लाख में ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो पार्टली खरीदा है ना पार्टली रिकॉर्ड किया यहां पे तो उसके केस में जो डिफरेंस रहेगा ना फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट एंड जितना आपने इन्वेस्टमेंट बुक्स में रिकॉर्ड किया है उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो बीच का डिफरेंस है वो आपके लिए इनकम बन जाएगा वापस बोल रहा हूं समझना मैंने क्या किया एक किलो गोल्ड खरीदा और मैंने गोल्ड खरीदा कितने में बैंक से मैंने दिया बीस लाख रुपया तो मैंने बुक्स से रिकॉर्ड कितना किया बीस लाख मैंने एंट्री पास क्या की होगी गोल्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और बैंक से मैंने दे दिया बीस लाख तो बीस लाख तो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया बट बेटा बाकी का तीस लाख मैंने नहीं किया और मैं बोलता हूं कि मैंने एक किलो गोल्ड खरीदा है यहां पे पता चला कि एक किलो गोल्ड खरीदा है तो एक किलो गोल्ड की प्राइस तो पचास लाख होती है तुमने बीस लाख की रिकॉर्ड किया है बुक्स में तो करके ठीक है तो जो डिफरेंस है ना तीस लाख का ये तीस लाख का डिफरेंस है ये आपकी इनकम मान ली जाएगी दिस विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम ये आपकी डीम्ड इनकम है वो मान ली जाएगी करके ठीक है चलिए अभी ये बोलोगे सर इंडिविजुअल ने खरीदा है तो कौन से अकाउंट में शो होगा करके ठीक है तो इंडिविजुअल देखो 20 लाख तो ये तो टैक्स भरा हुआ पैसा रहेगा ना बीस लाख में जो आपने खरीदा बीस लाख तो टैक्स भरा हुआ पैसा रहेगा आपने ब्लैक मनी यूज की होगी वो कितनी थर्टी लैक यूज की होगी तो ये बोलते थर्टी को हम डीम्ड इनकम बना देंगे अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो तो करके ठीक है चलिए तीस लाख पे सेवेंटी टैक्स लगेगा आंसर इज यस लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं लिखिए हेडिंग दे दिए सिक्सटी नाइन बी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अ सेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट डैश करके लिखिए लिखिए इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर एस एस्सी मेड इन्वेस्टमेंट इन एनी प्रीवियस ईयर एसस्सी मेड इन्वेस्टमेंट असएस्सी मेड इन्वेस्टमेंट Or or found to be FOUND Found to be owner of any asset found to be owner of any asset. Found to be owner of any asset. Owner of any asset. And and if such investment or asset, and if such investment or asset, such investment or asset, such investment or asset not fully recorded in books of accounts, not fully recorded in books of accounts, not fully recorded in books of accounts not fully recorded in books of accounts books of accounts books of accounts and assessee explanation and assessee and assessee's explanation is not satisfactory and assessee's explanation is not satisfactory then 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 difference between value then difference between difference between value of investment difference between value of investment investment slash asset difference between value of investment asset difference between value slash in difference between value of investment slash asset and amount recorded and amount recorded in books of accounts and amount recorded in books of account is treated as ज ट्रीटेड एज डीम इनकम ऑफ एस एस सी इज ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम ऑफ एस एस सी तो आपने क्या लिखा डिफरेंस बिट्वीन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लैश असेट एंड अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम ऑफ एस एस सी एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल लिखिए मिस्टर बीबी मिस्टर बीबी पाउंड टू बी ओनर ऑफ पाउंड मिस्टर बीबी पाउंड टू बी ओनर ऑफ वन के जी गोल्ड मिस्टर बीबी पाउंड टू बी ओनर ऑफ वन के जी गोल्ड वन के जी गोल्ड वन के जी गोल्ड ब्रैकेट में लिखिए मार्केट वैल्यू फिफ्टी लाख ब्रैकेट में लिखिए market value 50 lakh bracket close bracket close found to be owner of 1 kg gold during previous year 20 to 23 during previous year 20 to 23 during previous year 22 23 but he has recorded but he has recorded but he has recorded only 20 lakh rupees. But he has recorded only 20 lakh rupees for acquiring gold of 1 kg. But he has recorded only 20 lakh for acquiring gold of rupees 1 kg. Full stop. In this case, in this case, AO may treat, in this case, AO, assessing officer, may treat 30 lakh, 30 lakh, AO may treat 30 lakh as deemed income of BB, 30 lakh as deemed income of BB, AO may treat 30 lakh as deemed income of BB. एक्टे बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी ए बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी ए बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी बीबीज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिसफैक्टरी चलिए एक और मस्त वाला सिनेरियो है लास्ट सेकेंड लास्ट और उसके बाद एक लास्ट और बट वो ज्यादा काम का नहीं है अब एक लॉस्ट है सिक्सटी नाइन सी करके हेडिंग दे दीजिए अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर ये अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर क्या होता है करके ठीक है अब क्रेडिट पे लाए तो तो बिल पचास लाख का होना चाहिए ना क्रेडिट पे लाए तो कोई दिक्कत नहीं है करके ठीक है क्रेडिट पे लाए तो कोई दिक्कत नहीं है ये तो भाई क्रेडिट पे नहीं लाए

ये आयुषी ये मजा आएगा आपको देखना इधर देखना ये आयुषी है आयुषी का फोटो बनाते हैं यहाँ पे और ये ड्राइंग मेरी ड्राइंग को आप जज ना करके ठीक है वाओ ये आयुषी है ठीक है हाँ अब एक बात समझना ये आयुषी है हुआ क्या आयुषी की शादी थी शादी 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 समझते हो ना शादी में ही बर्बादी शादी करके ठीक है जो बोलना है बोलो आयुषी की शादी थी और शादी में भाई साहब क्या शादी करने वाले हैं ठीक है मतलब शानदार वाली शादी शानदार वाली शादी करके ठीक है मतलब खतरनाक वाली शादी है वो आयुषी की होने वाली है अब एक बात समझना खतरनाक वाली शादी मतलब हमारे जो आयुषी जो बात पता है कि कुछ लोग कैसे होते हैं शादी में बहुत पैसा खर्च करते हैं शादी में भाई साहब दबा के पैसा खर्च करते हैं हुआ क्या आयुषी की शादी हो रही थी और शादी में पता चला इनकम टैक्स वालों को कि शादी में आयुषी की शादी में एक करोड़ रुपया खर्च किया है कितना खर्च किया है पता एक करोड़ रुपया खर्च किया है आयुषी की शादी में एक करोड़ रुपया है वो करोड़ रुपया उड़ा दिया शादी में खर्चा कर दिया अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलता है इनकम टैक्स वालों को कि शादी में एक करोड़ खर्चा किया है मैं बताऊं सीए फाइनल में मैं पढ़ाऊंगा एक सर्वे होता है सर्वे तो शादी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है ना उसके बाद वो सर्वे कर सकते हैं

ये एक करोड़ का जो खर्चा किया है ये एक करोड़ का जो खर्चा किया ये पैसा कहां से लाया था ये पैसा कहां से लाया था पैसा करके ठीक है अब बाबूजी बता ही नहीं पा रहे पैसा कहां से लाया था करके ठीक है बाबू ने खर्चा तो किया एक करोड़ का बट ये बता नहीं पा रहे कि बाबू ने खर्चा किया है वह पैसा लाया कहां से था करके ठीक है ये पैसा लाया कहां से था वो बाबूजी बता ही नहीं पा रहे बाबूजी बोल रहे पता नहीं खुदा का दिया हुआ भगवान का दिया हुआ ईश्वर का दिया हुआ था बेटी का था बेटी ले गई करके ठीक है भैया ये ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा करके ठीक है लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं अगर आप खर्चा करते हो ना तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से लाया था अगर आप कोई खर्चा करते हो तो खर्चा करते हो तो आपको यह बताना पड़ेगा कि यह आप पैसा कहां से लाया था और अगर आप नहीं बता पाए ना तो भैया ये तुम्हारा अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर माना जाएगा और ये एज इट इज आपकी इनकम बन जाएगी और इस पर सेवेंटी एट परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा आप बोलोगे यार आयुषी की शादी पे एक करोड़ का खर्चा किया एक तो खर्चा किया शादी पे करके ठीक है अगर खर्चा किया शादी पे एक करोड़ का बताना पड़ेगा ये पैसा कहां से लाए भाई टैक्स भरा हुआ पैसा है या नहीं वो तो पूछेंगे ना आपको टैक्स भरा हुआ अगर आप बता देते हो कि देखो ये एक करोड़ का पैसा हमने पांच साल में कमाया था और ये कमाया था वही वाला पैसा हमने खर्च किया है वही वाला पैसा हमने खर्च किया है करके ठीक है अगर वही वाला पैसा अगर कमाया हुआ पैसा रिकॉर्डेड पैसा है तो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप ऐसे ही घुमा रहे हो बोले भगवान का दिया था ईश्वर का दिया हुआ था बेटी पे हमने उड़ा दिया बेटी पे जो है वो लुटा दिया पैसा करके ठीक है शादी हो गई हम बड़े खुश हो गए करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में यह क्या माना जाएगा आपका इनकम माना जाएगा अब आप बोलोगे हमको तो गिफ्ट मिला था किससे मिला था क्या मिला था पढ़ेंगे आगे जाके जब आएगा तब करके ठीक है यहां आयुषी के पापा एक तो एक करोड़ का खर्चा कर रहे हैं और सेवनटी एट ,00 लाख रुपीज टैक्स भी भरना पड़ेगा 78 लाख रुपीज टैक्स भी भरना पड़ेगा रूक आप जाएगी करके ठीक है अगर आपने ऐसा किया तो तो कोई भी अगर आप खर्चा करते हो ना कोई भी आप अगर खर्चा करते हो तो वो खर्चा जो है वो बताना पड़ेगा पैसा कहां से लाया था नहीं तो जितना खर्चा किया वो इनकम माना जाएगा और वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ क्या एक करोड़ इनकम माना तो एक करोड़ का खर्चा अलाउ होता है ये कोई पर्सनल खर्चे अलाउ नहीं होते बिजनेस के खर्चे अलाउ होते हैं बिजनेस वगैरह में है वहां पे खर्चे अलाउ होते हैं यहां पे कोई पर्सनल शादी के खर्चे खर्चे अलाउ नहीं होते है ये एक करोड़ पूरा इनकम टैक्सेबल होगा और इसके सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा पूरा वन करोड़ है वो टैक्सेबल हो जाएगा तो अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहां से लाया था उसका सोर्स क्या था उसका नेचर क्या था अगर आप नहीं बता पाए करके ठीक है नहीं बता पाए करके ठीक है नहीं बता पाए तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपकी इनकम बन जाएगी करके ठीक है तो देखिए बेटा ऐसी बातें हैं कि अगर आपने कोई खर्चा किया वो बताना पड़ेगा आपने शादियों पे आपने देखा होगा अगर शादियों उठा, उठा, उड़ाते हो पैसा और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया तो वो आएंगे आपके पास आपके घर वालों को पकड़ेंगे बोलेंगे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर बिठाएंगे बैठो यहाँ पे करके ठीक है और बैठ के फिर पूछेंगे कहां से लाया था पैसा कहां से लाया ये बेटी को जो दिया है तुम ऐसा होता है पता है? अपनी मम्मी तो कैसी होती है ना पता है आपकी मम्मी कैसी होती है आपको पता है आपकी मम्मी कैसी होती है पता है आपको कि अगर मान लो बेटी को 100 ग्राम गोल्ड दिया है ना तो मम्मी सबको बताएगी 500 ग्राम दिया है करके ठीक है और इनकम टैक्स वालों को वही चाहिए इनकम टैक्स वाले लिखते हैं अच्छा 500 ग्राम दिया है बेटी को कितने गहने दिए बोले 200 ग्राम के अब मम्मी को अगर पूछा जाए तो मम्मी तो एकदम बड़ा चढ़ा कहीं बताएगी ना हमारे यहाँ कितना खर्चा किया करके ठीक है कि 20 लाख का शादी पे खर्चा हुआ नहीं होगा लोगों को बोलते हैं कि चालीस लाख का खर्चा हुआ करके ठीक है हमारे तो पांचों पकवान बनाए थे करके ठीक है पता नहीं चालीस तरह की तो मिठाइयां बनाई थी तो वैसी वाली चीजें होती है वो इनकम टैक्स वाले सब नोट डाउन करते हैं पकड़ते हैं ना पंचनामा बनाते हैं पूरा और पंचनामा बनाते हैं अच्छा इतना खर्चा किया कहां से लाया था पैसा पैसा कहां से लाया था करके ठीक है और पैसा कहां से लाया था अगर आप नहीं बता पाते हो नहीं बता पाते हो तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी करके ठीक है चलिए अब कोई पूछ रहा है सर अगर मान लो शादी पे गिफ्ट मिलता है उसका क्या होगा जो अपने को सगुन मिलता है 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 ना वो पढ़ाएंगे अपन अदर सोर्सेज में करके ठीक गिफ्ट टैक्सेबल होता है या नहीं होता है वो अपन बताएंगे समित्रा बोलती है इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं यस yes, बन सकते हैं कैसे बन सकते हैं एक दिन मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसीजर कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर कैसे बन सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैसे आप काम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा करके ठीक है हाँ, आईटीआर को टोटल अमाउंट का इनकम इस साल का इनकम हर्षवर्धन आईटीआर में कंसिडर करेंगे ना चलिए मम्मी इज ऑलवेज ओपी यस लिखिए जैसा मैं अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर लिखवा रहा हूं लिखिए लिखिए इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर में लिखिए इन एनी प्रीवियस ईयर इन एनी प्रीवियस ईयर असेसी एस इंकड एनी एक्सपेंडिचर इन एनी प्रीवियस ईयर असेसी एस इंकड any expenditure and and any expend assessing any expenditure and, and assesses explanation, assesses explanation is not satisfactory. Assesses explanation is not satisfactory about the source of such expenditure, assesses explanation is not satisfactory about the source of such expenditure, about the source of such expenditure, about the source of such expenditure, then such expenditure, then such expenditure, such expenditure shall be treated as deemed income such expenditure shall be treated as deemed income such expenditure shall be treated as deemed income of assessee such expenditure is treated as deemed income of such assessee full stop एग्जाम्पल लिख लीजिए एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल लिखिए मिस्टर रवि इंकड़ वन करोड़ रुपीज मिस्टर रवि इंकड़ वन करोड़ रुपीज मिस्टर रवि इंकड़ वन करोड़ रुपेज मिस्टर रवि इंकड़ वन करोड़ रुपेज वन करोड़ रुपीज एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज ऑफ हर डॉटर एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज ऑफ हिज डॉटर रवि वन करोड़ रुपीज एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज ऑफ हिज डॉटर ऑन मैरिज ऑफ हिज डॉटर मैरिज ऑफ डॉटर फुलस्टॉप इफ रविज एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेफैक्टरी इफ रविज एक्सप्लेनेशन Is not satisfactory. Ravi's explanation is not satisfactory. Ravi's explanation is not satisfactory. About 1 crore. About 1 crore. Explanation is not satisfactory. About 1 crore. Then, 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 such amount of rupees 1 crore. देन सच अमाउंट ऑफ रुपीज वन करोड़ एज ट्रीटेड एस एस ट्रीटेड एस ट्रीटेड एस डीम्ड इनकम ऑफ रवि डीम्ड इनकम ऑफ रवि नाउ लास्ट पार्ट बस उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म एक बात समझना एक है कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द हुंडी हुंडी क्या होता है आपको पता है कुछ हुंडी क्या होता है हुंडी हुंडी क्या होता है कोई बताएगा हुंडी क्या होता है हुंडी 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 अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना हुंडी क्या होता है बता दो बता दो हुंडी क्या होता है undi is like a bill of exchange देखिए हुंडी आजकल होता नहीं बहुत पहले होता था करके ठीक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा दिस इज कॉल्ड हुंडी अब एक बात समझना एक हुंडी है मेरे पास हुंडी का मतलब एक हुई नोट आप बोल सकते हो करके ठीक है अकाउंट्स में आपने अगर सुना होगा करके ठीक है कि प्रोमिजरी नोट होता है है करके ठीक नोट दैट इज कॉल्ड हुंडी अब एक बात समझना मेरे पास में कोई हुंडी है एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मेरे पास में अगर कोई हुंडी है मतलब हुई नोट है मेरे पास एक प्रोमिजरी नोट है कि मान लो एग्जाम्पल इधर देखिए जैसे मेरे पास में एक हुई है और इस हु में यह लिखा हुआ है कि मुझे एक बंदा जो है जिसका नाम है मिस्टर कमल कमल मुझे छह महीने के बाद छह महीने के बाद मुझे मान लो एक करोड़ रुपया देगा ऐसा एक प्रोमिजरी नोट है दैट इज कॉल्ड हुई प्रोमिजरी नोट है ंडी कि कमल मुझे एक करोड़ रुपया देगा कब कितने महीने बाद छह महीने के बाद छह महीने के बाद मुझे एक करोड़ रुपया कमल देने वाला है अब एक बात समझना मेरे को छह महीने वेट करना पड़ेगा पैसे के लिए जो पैसा है वो पैसे के लिए छह महीने का वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोमिसरी नोट है छह महीने बाद मैं एंड करूंगा अब एक बात समझना मैं इस हु पर यह जो हुई है इस हुई को कहीं गिरवी रख के और मैं इस पे कैश लोन ले लेता हूं मैं इस पे कैश लोन ले लेता हूं मेरे को पैसे की जरूरत थी तो मैंने क्या किया मैंने क्या किया करके ठीक है कमल मैंने क्या किया ये हुंडी को कहीं गिरवी रखा और हुंडी के बदले मैंने कैश लोन ले लिया मीनस मैंने पैसा बोरो कर दिया करके कैश लोन ले लिया हुंडी के सामने तो ये कैश लोन लिया मैंने बैंक से लोन नहीं लिया मैंने बैंक से लोन नहीं लिया करके ठीक है मैंने कैश में लोन लिया कैश में पैसा रोकड़ा लिया तो लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर आप कैश में लोन लोगे तो वो आपके लिए इनकम माना जाएगा डीम टू बी इनकम वो मेरे लिए डीम्ड इनकम क्योंकि रिकॉर्डेड हुंडी -हुंडी होती ही नहीं है एक सिर्फ प्रोमिजरी नोट होता है एक पेपर होता है उस लिख के दे दिया कि आपको इतना पैसा मिलने वाला है करके ठीक है अब वो हुंडी हुंडी पे क्या किया हुंडी को मान लो कहीं पे मैंने गिरवी रखा और उसके बदले मैंने कैश में अभी का भी पैसा ले लिया अभी का भी पैसा ले लिया तो जितना मैं पैसा लूंगा ना वो मेरी क्या बन जाएगी डीम्ड इनकम बन जाएगी और इस पर भी सेवेंटी टैक्स लगेगा या फिर मैं वो लोन का रीपेमेंट कैश में करता हूं तो कैश में अगर रीपेमेंट करता हूं तो भी वो इनकम मानी जाएगी बट अगर लोन लिया था तब इनकम बन गई है तो लोन का जब रीपेमेंट करेंगे तब इनकम नहीं बनेगी ये पॉइंट आज की डेट में होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में बट मैं जस्ट आपको यहां पे बता रहा हूं कि ये हुंडी क्या होता है तो ऑल पीपल जस्ट फोकस यार इधर देखिए इधर देखिए इधर कहां चला गया हुंडी वाला पार्ट करके ठीक है मैं डीम्ड इनकम बता रहा था कहां चली गई डीम्ड इनकम अरे यार कहां गया भाई साहब कहां था कौन सा पेज नंबर था मुझे पेज नंबर बता दो ना आईसीआई के मॉड्यूल में अगर किसी के पास है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है तो बता दो नहीं तो कोई बात नहीं हाँ ये रा हाँ,

से आप नहीं करते हो आप क्या करते हो कैश में अमाउंट है तो आप कैश में हंडीपे अमाउंट बोरो करते हो या कैश so तो तो में, में आप रीपे करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में जितना बोरो किया अमाउंट या जितना रीपे किया वो आपका क्या माना जाएगा डीम्ड इनकम माना जाएगा लेकिन एक चीज समझना आगे क्या दे रखा कर है करके ठीक है हाउ एवर वेयर एनी अमाउंट बोरोड ऑन द हुडी हैज बीन डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन विल नॉट अगेन बी अड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट ऑन द रीपेमेंट ऑफ सच अमाउंट अगर ऑलरेडी आपकी डीम्ड इनकम मानी जा चुकी है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप उसको रीपेमेंट करोगे तो रीपेमेंट के टाइम पे आपकी वो इनकम नहीं मानी जाएगी आजकल ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता है लिखिए लास्ट वाला पॉइंट करके ठीक है लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं लिखिए सेक्शन सिक्सटी नाइन डी दैट इज द लास्ट पॉइंट सेक्शन 69D. नाइन हां मैं बताता हूं बताता हूं बताता हूं सेक्शन 69D. लिखिए अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी लिखिए नेक्स्ट लाइन में If any amount, if any amount is borrowed or repaid, if any amount is borrowed or repaid, borrowed or repaid, if any amount is borrowed or repaid on hundi, on hundi, on hundi, on hundi. On hundi on hundi in cash in cash borrowed or repaid on hundi in cash then such amount then such amount shall be treated as then such amount shall be treated as deemed to be income of assessee then such amount shall be treated as deemed to be income of assessee then such amount shall be treated as deemed to be income of assessee deemed to be income of assessee full stop if amount borrowed full stop if amount borrowed on hundi if amount borrowed on Hundi, if amount borrowed on Hundi, if amount borrowed on Hundi, on Hundi is already treated as income, is already treated as income, then is already treated as income, then at the time of repayment. then at the time of repayment it will not be treated as income then at the time of repayment it will not be treated as income it will not be treated as income it will not be treated as income तो कुल मिला के मैंने आपको क्या बताया देखिए वापस से एक बार बोल रहा हूं जैसे हुंडी क्या होता है एक प्रोमिजरी नोट होता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये बंदा है मिस्टर बीबी मेरे पास एक हुंडी है। हुंडी अब एक करोड़ की है, इस एक करोड़ लिख के दिया है मुझे किसी ने मुझे एक करोड़ देने वाला है अब वो कब देने वाला है छह महीने बाद अब वो छह महीने बाद देने वाला है आज मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने क्या किया इस हुंडी को गिरवी रख के इस हुंडी पे मैंने किसी पर्सन से कैश में लोन लिया कैश में क्या कर दिया लोन ले लिया एक करोड़ का तो जब मैंने कैश में एक करोड़ का लोन लिया ना कैश में यहां कैश को अंडरलाइन कर देना इस पॉइंट कैश जो लिखा ना उसको अंडरलाइन सिर्फ कैश है तो होगा कैश में मैंने लोन ले लिया एक करोड़ का तो ये एक करोड़ मेरे हाथ में क्या मान ली जाएगी इनकम मीन हुंडी को गिरवी रख के हु को बेस के अगर आप कोई कैश लोन लेते हो तो वो आपकी इनकम मानी जाती है या फिर आप क्या करते हो करके ठीक है अगर इस लोन का मैं वापस रीपेमेंट करता हूं कैश में तो ये मेरी इनकम मानी जा सकती है लेकिन एक बात समझना अगर पहले जब लोन लिया था तब इनकम मानी जा चुकी है तो रीपेमेंट के टाइम पे इनकम नहीं मानी जाएगी रीपेमेंट के टाइम पे इनकम नहीं मानी जाएगी अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है तो ऐसा क्यों लिखा कि भाई रीपेमेंट और बोरो देखो हो सकता है ना ऐसा कि मैंने जब पैसा लिया उधार तब तो मैंने बैंक से लिया था पैसा लिया उधार तब तो बैंक से लिया तो बैंक से जब लिया तो तो उसका मतलब ये इनकम नहीं मानी जाएगी बैंक से लिया ना कैश में लिया होता तो इनकम मानी जाती बट मैंने रीपेमेंट किया वो कैश में किया मिस एक करोड़ मैंने हुंडी के बेसिस पे बोरो किया वो तो मैंने बैंक से किया और मैं जब रीपेमेंट कर रहा हूं वो मैं कैश में कर रहा हूं तो जब मैं रीपेमेंट कैश में कर रहा हूं तो यहां पे ये रीपेमेंट वाला क्या माना जाएगा इनकम माना जाए का करके ठीक है चलिए अब आप लिखिए एक लास्ट एक सेक्शन के ये जितनी भी इनकम अपन ने पढ़ी है ये कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी तो लिखिए एक सेक्शन वन वन फाइव बी करके ये एक स्पेशल रेट्स की सेक्शन है स्पेशल रेट्स की कल मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल रेट्स की इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होती है स्पेशल रेट्स वाली तो लिखिए इसको डैश करके लिखिए लिखिए अबोव डीम्ड इनकम अबोव डीम्ड इनकम अबोव डीम्ड इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट सिक्सटी परसेंट अबोव डीम्ड इनकम मतलब अबोव जितनी भी ये डीम्ड इनकम पड़ी अबोव का मतलब सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन ए सिक्सटी नाइन बी सिक्सटी नाइन सी एंड सिक्सटी नाइन डी ये जितनी भी 68, 69, हाँ, 68 था कैश क्रेडिट ये अनएक्सप्लेन वाला क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ये अनएक्सप्लेन मनी ये पार्टली रिकॉर्डेड वाला करके ठीक है ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर वाला और ये हुडी वाला शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 60 प्लस ट्वेंटी सरचार्ज प्लस फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ब्रैकेट में लिख लीजिए इफेक्टिव टैक्स रेट 78% इफेक्टिव टैक्स रेट है वो आपका रहेगा 78% 78% की रेट से आपको टैक्स लग जाएगा इफेक्टिव टैक्स रेट है वो आपका रहेगा 78% एक सेकेंड अ मेरा वो स्क्रीन बंद हो गया जहां मुझे आप लोग दिखते हो वो तो मुझे दिख नहीं पा रहे हो आप लोग नहा के आए हो या नहीं वो तो मुझे एक बार देख चालू करने दीजिए एक मिनट का टाइम दीजिए मैं स्क्रीन चालू करता हूं फिर मैं आपको देख पाऊंगा ओ भाई साहब अब मुझे दिख रहा है आप अब।, अब मुझे आप दिख रहे हो करके ठीक है अब मुझे अगर बैंक से लिया तो कोई दिक्कत नहीं है देखो ये हुंडी आजकल होती नहीं है बहुत पहले था अगर कैश में नहीं है तो फिर इनकम नहीं बनेगा अगर कैश में लिया तो ही क्योंकि कैश यहां पे वर्ड लिखा हुआ है प्रीत वर्मा बोल अब मैं तेरा रिप्लाई करूंगा बोलो अब जो जो बोलेगा उसको मैं रिप्लाई करूंगा सर बोलो कैश में क्यों ही करेगा अरे भाई पहले होता था ये आजकल तो इतना होता नहीं इसमें सरचार्ज की रेट अलग से है कितना पच्चीस परसेंट यह स्पेसिफिक बोला हुआ है इस सेक्शन के लिए खेला हो गए परसेंट होगा तो सेवेंटी नाइन परसेंट होगा ट्वेंटी एट परसेंट कहा है ट्वेंटी फाइव परसेंट है ना चार्जेज टीव परसेंट सर ये सेक्शन याद करना है कि सेक्शन याद याद नहीं करना आपको एक बार एमसीक्यू में आया था कि एक बंदे के पास में मिल गया, तो उसको कौन सी रेट से टैक्स भरना तो कोई दिक्कत नहीं सिर्फ लोन लिया तो ही दिक्कत है, है हुंडी कौन असेसी को? अरे हुंडी मतलब आजकल तो नहीं होता आपने पढ़ा होगा बिल्स रिसीवेबल्स बिल्स पेबल्स में प्रोमिजरी नोट होता था Yes, मैसेज जाएगा, जाएगा। चलो एक मुझे बात बताओ ना मुझे एक बात बताओ सिर्फ लीगल इनकम टैक्सेबल है लीगल इनकम टैक्सेबल है इनकम टैक्स में या इन इनकम भी टैक्सेबल होगी बताओ मुझे वो टेन परसेंट कौन सा रुक जाना बेटा ऋषि कौन सा टेन परसेंट बोल रही है? वो तो पेनल्टी सी है, फाइनल में आएगा फाइनल में आएगा टैक्स सेवेंटी एट परसेंट यस यस मुझे एक बात बताओ अभिषेक बोल रहा है कि सर वो पब्लिक कंपनी के लिए क्यों नहीं क्योंकि पब्लिक कंपनी में एक बात बताओ इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हो डीमेट अकाउंट होना चाहिए डीमेट अकाउंट के साथ में आपका क्या बोलते हैं वो आईपीओ निकालते हैं तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस पर पूरा कंट्रोल रहता है ना यार पेन नंबर होना चाहिए बट प्राइवेट लिमिटेड में तो कोई भी वो इन्वेस्ट कर सकता है इसके लिए उस वाले में प्राइवेट लिमिटेड लिखा था मुझे एक बात बताओ लीगल इनकम ही टैक्सेबल होगी या इलीगल भी टैक्सेबल होगी हा हां इनकम टैक्स में यस सीएस मोहित लीगल इनकम ही टैक्सेबल होगी या इलीगल इनकम टैक्सेबल होगी लर्न नहीं करना है सिर्फ आपको समझना है करके ठीक है सिर्फ आपको समझना है लीगल इनकम या इलीगल या दोनों इनकम लीगल ही टैक्सेबल होगी या इलीगल भी टैक्सेबल होगी इनकम लीगल ही टैक्सेबल होगी या इलीगल भी टैक्सेबल होगी हाँ जैसे आपकी गैम्बलिंग की इनकम है गैम्बलिंग नहीं बोल सकते मान लो ये क्या बोलते हैं आपने कुछ मान लो ये किया गैम्बल तो कैजुअल इनकम में आ जाएगा ये जैसे आप मान लो फॉर स्मगलिंग करते हो स्मगलिंग की इनकम है स्मगलिंग करते हो आप कारतूस बेचते हो करके ठीक है आप कट्टे बेचते हो बंदूक बेचते हो कट्टे बना बना के स्मगलिंग करते हो स्मगलिंग का इनकम है टैक्सेबल होगा या नहीं मैं एक बात बता दू इनकम टैक्स में हम लीगल इगल इन से कोई मतलब नहीं है इनकम टैक्स में ऑल इनकम आर टैक्सेबल ऑल इनकम टैक्सेबल होती है भले वो लीगल है या इलीगल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता Miss, वो लीगल है या इन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लीगल है या इन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मीन्स लीगल इनकम होगी या इन इनकम होगी सब टैक्सेबल है सब टैक्सेबल है अब आप बोलोगे ये पता कैसे चलेगा जैसे मान लो किसी ने पकड़ लिया है स्मगलिंग करते हुए और स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया तो आपकी इनकम तो हुई जब स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया तो आपकी इनकम है पता चला कि आपकी इनकम दस करोड़ है तो दस करोड़ है वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी लेकिन है ना आपको मैं आगे जाके बताऊंगा गवर्नमेंट ने कैसी चिटिंग की है इन इनकम तो टैक्सेबल है बट इन खर्चे अलाउ नहीं है इन अगर आप कोई खर्चे करते हो मैं ऐसा बिजनेस में बताऊंगा कि पीजीबीपी हेड में मैं बताऊंगा कि इन इनकम होगी वो तो क्रेडिट साइड में आएगी पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर इनकम है वो आपकी इन है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी बट एक चीज ध्यान रखना अगर कोई एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर यहाँ पीएनडल के डेबिट में अलाउ नहीं होगा पी एंडल के डेबिट में एक्सपेंडिचर इनलीगल अलाउ नहीं होता जैसे आपने पुलिस वालों को ब्राइब दे दी पुलिस वालों को आपने ब्राइब दे दी करके ठीक है पुलिस वालों को आपने ब्राइब दे दी हफ्ता दे दिया करके ठीक है हफ्ता दे दिया या ब्राइब दे दी किसी को करप्शन में पैसा दे दिया तो ये इन एक्सपेंडिचर है ये अलाउ नहीं होता बट इनकम सब टैक्सेबल होती है ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल सुमित ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल इवन दैट इनकम पीजीबीपी का मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा पीजीबीपी का मतलब वाला तिशा, तब आपको ये समझ में आएगा तो इज नॉट इन इंडिया कसीनो इज इंटरनेट कसिनो इंडिया में ही है कसीनो इंडिया में है ऐसा कुछ नहीं है सब अलाउ है ठीक है सब अलाउ इंडिया में लीगल है कसीनो इज लीगल ना इन द गोवा है सिक्किम है दो तीन जगह पे जहां पे जो है हबीबी वाला जस्ट मैंने ऐसा दिया था कि फॉरेन से ऐसे राउंड ट्रिपिंग हवाला से पैसा लाते थे वो चलिए आप है ना कहीं पे भी एक नोट लिख लीजिए करके ठीक है इन इनकम टैक्स कहीं पे एक नोट लिख लीजिए प्रिंसी कहीं पे एक नोट लिख लीजिए नोट लिखिए इन इनकम टैक्स ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल इन इनकम टैक्स ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल Whether it is legal or illegal, Nishank, whether it is legal or illegal, whether it is legal or illegal, in income tax, all incomes are taxable, whether it is legal or illegal. But in section 37, but in section, but in section in section 37 in the business topic 37 in the business topic we will discuss that section 37 in the business topic we will discuss that we will discuss that illegal expenditures are not allowed illegal expenditures are not allowed इ लीगल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट एक कुछ होमवर्क में क्वेश्चन करके आएंगे छोटे से दो तीन एमसीक्यू दे दूं। छोटे से दो तीन एमसीक्यू क्यू दे दू हुँ? छोटे से कुछ एमसीक्यू दे दू करके आएंगे दो तीन ही दूंगा ज्यादा नहीं दूंगा, दूंगा डोंट वरी क्योंकि ज्यादा होंगे भी नहीं ये बोलता है हॉर्टिकल्चर पे टैक्स लगता है एग्रीकल्चर में वो आता है क्या एग्रीकल्चर में आता है तो नहीं एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में बताऊंगा हॉर्टिकल्चर एप्रीकल्चर करके ठीक है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में थोड़ी आता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है नहीं हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर आएगा आगे सर रिबेट

चलिए इधर देखिए सब लोग देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहला द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सरल एक बंदा है मिस्टर सरल

क्वेश्चन नंबर फोर आप करके आएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव आप करके आएंगे आज अपन ने पढ़ा देखिए सेक्शन सिक्सटी नाइन वाला क्वेश्चन नंबर फाइव आप करके आएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद में क्वेश्चन नंबर सेवन आप करके आएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट आप करके आएंगे एट के बाद में बस इतना करके आइए बाकी अगले टॉपिक में होगा तो कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं देखो कौन कौन से क्वेश्चन दिए मैं बता रहा हूं एमसीक्यूज मैंने दिए हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सेवन एट मतलब एट तक आपको करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स को छोड़ के क्वेश्चन नंबर सिक्स को छोड़ के और एट तक के क्वेश्चन आप एमसीक्यूज है वो आप घर पे जाके करके आएंगे पेज नंबर क्या है आपकी बुक में रहेगा इन बिटवीन मेरे पास भी बुक है नहीं अभी तो बुक में रहेगा करके ठीक है बुक्स नहीं मिली तो आप इसकी फोटो ले लीजिए आपको एबीसीडी तो ढूंढना है तो ये तो पांच क्वेश्चन तो ये पहले पेज वाले टेस्ट सीरीज वन के पांच क्वेश्चन वन टू एट एक्सेप्ट सिक्स या अभी मैं ना जिन जिन का कोई डाउट है वो आप पूछ लो बाकी जिनको जाना है चले जाओ अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा आज कल मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा कल अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा टुमारो फर्स्ट टॉपिक विल बी कंप्लीटेड मैं स्पेशल रेट्स भी कल बता दूंगा कल मैं स्पेशल रेट्स भी बता दूंगा तो आपका जो भी पूछना है, वो आप पूछ सकते है। मेरे को लिखना दिखता ही नहीं है बहुत ऊपर चला जाता है इतना स्पीड से जाता है ना मैं क्या बताऊं जैसे मतलब कौन सी बुक में क्वेश्चन आपके पास में जो बुक आई होगी उसी में है आपके पास जो बुक आई होगी उसमें एमसीक्यूज रहेगा आपके पास जो बुक आई होगी उसमें एमसीक्यूज है आदि बुक के बाद में कैन यू सी माई चैट अनुराग यस, आई एम अब टेस्ट लोगे संडे को ये संडे को नहीं लोगा अगले संडे को लूंगा सर रिबेट 87 सेवन ए वाला क्या होता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल को अगर उसका इनकम अप टू पांच लाख है तो उसको बारह हजार पांच सौ या फिर टैक्स अमाउंट विच इज लोअर का रिबेट मिलेगा एटी सेवन ए का रिबेट क्या होता है एटी सेवन ए का रिबेट क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल का इनकम अप टू पांच लाख है तो बारह हजार पांच सौ या टैक्स अमाउंट विच एवरेज लोअर का रिबेट मिलेगा कल और बता दूंगा पेज नंबर टू सेवेंटी है या सर प्राइवेट कंपनी को कैसे पता चलेगा मनी जो आया है वो अनएक्सप्लेन मनी है या नहीं तो वो तो प्राइवेट कंपनी को पता नहीं चलेगा इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि भाई तुमको जो पैसा दिया है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है ना किसी लिमिटेड लोगों को ही आ, से ही पैसा ले सकती है तो वो उसको पकड़ेंगे उस पर्सन को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे क्वेश्चन करेगा और अगर उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो प्राइवेट कंपनी को बता देगा कि वो बंदा सही से नहीं बता रहा है सर हुडी वाला अरे मैं बताऊं अशोक कुमार वाला इज नॉट मोर रिलेवेंट करके ठीक है सर सेक्शन वन वन फाइव बी क्या है आगे जाके आएगा स्पेशल रेट से उसमें ना पांच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट तीस परसेंट ऐसे टैक्स लगता है वन वन फाइव बीएसी आगे आएगा सर प्लीज एक्सप्लेन सिक्स डी इन दॉर्ट सिक्सटी नाइन डी में कोई बोल रहा हूँ तेरे पास एक प्रोमिजरी नोट है जिसको बोलते हैं हुंडी हुंडी इस हुंडी को गिरवी रखे हुंडी होता ही नहीं है यार आजकल होता ही नहीं बहुत पहले था हुंडी को गिरवी रख के कहीं से आपने कैश में लोन लिया तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी कैश में नहीं ले सकते आप या हुडी का जो लोन है वो आपने कैश में किसी को रीपे कर दिया तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी ठीक है सर सेवेंथ एट क्वेश्चन Illegal एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड नॉट अलाउड मतलब खर्चा आप क्लेम नहीं कर सकते पी एंडल के डेबिट में illegal expenditure एक्सपेंडिचर नहीं डाल सकते ऐसा मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कैश क्रेडिट पॉइंट थ्री क्या होता है सेवन एट क्वेश्चन का फोटो लेना है अच्छा लो लो ये सेवन एट पॉइंट हाँ चलो जिसको जिसको ऑफिस जाना है बाय सर दुबई वाले को सर मुझे अभी तक

सर कैन वी अप्लाई डायरेक्टली सेवेंटी एट परसेंट आस के एमसी आंसर इज यस आप डायरेक्टली सेवेंटी एट परसेंट कर सकते हैं सर खुद ही ऑफिसर के पास चले जाए तो एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्या सर कॉम्पैक्ट बुक में सब लिखा हुआ है अरे नहीं नहीं मतलब लिखा हुआ है बट मेरे को एक बात आप मेरे को, मेरे को पे छोड़ दो आपका सिलेबस मैं टाइम पे कंप्लीट करूंगा मैं सब टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं होगा करके ठीक है की आप देखते हो बहुत सारे लोग वैसा भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक तो पढ़ा लिया पीछे के भगा दिए मैं एक भी टॉपिक में आपको नहीं भगाऊंगा आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आएगा डोंट वरी आप मेरे पे छोड़ दो वो सब डीटी कैसे प्रिपेयर करें मैं बताऊंगा आप टेंशन ना धीरे 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 सब बताएंगे कंपनी को तो पता चलेगा ना पुणे त्यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शेयर कैपिटल किसी ने लिया शेयर होल्डर का पता नहीं रहेगा सब पता रहेगा कैसे नहीं रहेगा पता करके ठीक है यस तिशा योर चैट इज विजिबल सबके विजिबल है बट मेरे को क्या है ना बहुत ज्यादा फास्ट चला जाता है मैसेजेस के लिए सिलेबस कब तक 31. December तक खत्म होगा दिसंबर सर क्वेश्चन में सेक्शन को आप इग्नोर करिए कुछ टाइम के लिए मैं आपको इन डिटेल पढ़ाने वाला हूं वन वन फाइव बीएससी पर पूरा एक लेक्चर लूंगा करके ठीक है अरे बेटा मेरे को है ना मैसेज है ना बहुत फास्ट जा रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है किसका क्या बोल रहा है करके ठीक है तो एक काम करो अगर आपको कोई डाउट है आप ग्रुप में पूछ लो ठीक है टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो मैं आपको आंसर कर दूंगा ठीक है सबको एक एक को आंसर कर दूंगा चलिए आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करते हैं सेवन क्वेश्चन शो करिए सेवन क्वेश्चन ही तो दिख रहा है यहां पे यार अब बोलता है सेवन क्वेश्चन शो करिए नयन डीटी में हाईएस्ट स्कोर कितना कर सकते हैं हाईएस्ट मेरे हिसाब से 80 85 भी आप कर सकते हैं डीटी आईडीटी दोनों में मिला के अगर ढंग से प्रिपेयर करें 80 85 आता है आराम से एटी फाइव आता है ढंग से पढ़ाई करें। नितेश दिखाने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे नितेश दिखाने की जरूरत नहीं है सर चलो बाय मेरे को है ना सच में मैसेज नहीं दिख रहे आप उस ग्रुप में कोई भी डाउट है वो पूछ लीजिए रीजनेबल डाउट है आई विल एक्सप्लेन यू ठीक है चलिए बाय टेक केयर आज के लिए इतना बहुत है बाय